हरे कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा शो आपके मन की बात हमारे साथ के एक बिल्कुल नए और बिल्कुल स्पेशल एपिसोड में। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हरे कृष्णा टीवी को चुनने के लिए। और जो लोग रेगुलरली हमारे साथ जुड़ते हैं आपकी लॉयल्टी के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को इस शो का एक बैकग्राउंड दे देती हूँ। जैसा कि इस शो के नाम से ही सिद्ध होता है हम इस शो पर आकर एक दूसरे की मन की बातें करते हैं, लेकिन कई बार कह चुकी हूँ हम मन घड़न बातें नहीं करते हैं। हम हमारे बीच ऐसे कुछ विशेष अतिथियों को बुलाते हैं, देश विदेश से आमंत्रित करते हैं, जो हमारे बीच आकर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर हमारा मार्गदर्शन कर सके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सके और हमें क्लियर पिक्चर दे सके कि यदि ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है। दर्शकों, इसी कड़ी में आज का हमारा एपिसोड गौर पूर्णिमा स्पेशल एपिसोड है। आज हम गौर पूर्णिमा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, गौरांग महाप्रभु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और या यूं कहिए कि ये एक बहुत ही अनडिस्कस्ड टॉपिक है। ऑफ कोर्स इस्कॉन में अगर आप सर्च करोगे तब हर जगह आपको इन्हीं की बातें पता चलेंगी, हर जगह हर कोई चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन उसके अलावा बहुत कम लोग भगवान के इस अवतार के बारे में जानते हैं और जो जानते हैं वो उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए आज हम एक बहुत ही विशेष अतिथि से मिलने वाले हैं। वो कई बार हमारे शो पर आ चुकी हैं और हर बार अपने दमदार आवाजों से दमदार उत्तरों से हमें ये बता चुकी हैं वो क्यों हमारे शो पर बार बार आना डिजर्व करती है। उनका एक अपना सेपरेट ऑडियंस फैन बेस है। आप सभी के बीच मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ राधिका माता जी का। हरे कृष्णा राधिका जी। हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के साथ जुड़कर गौर पूर्णिमा जैसे इतने अच्छे विषय पर हमसे बात करने का निर्णय लिया। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे समय को कीमती बना दिया, क्योंकि जब हम समय में अपने समय में भगवान के बारे में बात करते हैं तब वो कीमती बनता है। तो थैंक्स मेरे समय को कीमती बनाने के लिए। इतना अच्छा आउटलुक है आपका लाइफ को लेके, मतलब आपने इतनी अच्छी बात कही कि यही से मुझे शो में मजा आने लगा। माता जी, आज हम गौर पूर्णिमा के बारे में बात करने वाले हैं, गौरांग महाप्रभु के बारे में बात करने वाले हैं। और मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी खास बातें कही थी जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं इस टॉपिक को लेकर। इनफैक्ट मैं यदि सच कहूं तो मैं भी जब नई इंटू इस्कॉन आई थी ना तो मैं भी बहुत अचंभित रह गई थी कि यदि एक ऐसा एक ऐसा विग्रह है या ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो एक साधु के वेश में है और केवल हरिनाम ले रहे हैं, उनके वो एकदम अलंकृत नहीं है, उनके सर पे मोर का पंख नहीं है, हाथ में बांसुरी नहीं है, तो आप किस एंगल से कौन से बेसिस पे इन्हें कृष्णा कह रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए कि व्हाट मेक्स चैतन्य महाप्रभु कृष्णा, हम कैसे उन्हें कृष्णा के एक अवतार के रूप में स्वीकार करें? ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। जैसा आपने कहा हम मन की बातें करते हैं, मन गणंत बातें नहीं करते। तो हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण कैसे मान सकते हैं, मैं अपने या आपके मन की बात नहीं कहूंगी, मैं शास्त्र की बात कहूंगी कि शास्त्रों में ऐसा क्या एविडेंस है जिससे पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। क्योंकि समाज में ऐसा देखा जाता है किसी व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, लोग उसे ही भगवान मानने लगते हैं। मतलब बहुत ज्यादा कोई फेमस हो गया है या किसी ने कोई बहुत विलक्षण काम कर दिया है तो वो हमारे लिए भगवान बन जाता है। कुछ लोगों का भगवान गरीबों में भी होता है, तो सबके अलग अलग भगवान हैं। पर जब हम भगवान मानते हैं तो वास्तव में हमें शास्त्रों के अनुसार देखना है कि भगवान कौन है। क्योंकि मैं अक्सर कथा में कहती हूँ इस चीज को, भगवान बना नहीं जाता, कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये करके हम भगवान बन जाएंगे। जैसे मैं पैसा कमाकर पैसे वाला बन सकता हूँ, मैं पुत्र प्राप्त करके पुत्रवान बन सकता हूँ, बट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैं ये करके ये प्रोसेस फॉलो करके भगवान बन सकता हूँ। नहीं, भगवान बना नहीं जाता है, भगवान होते हैं। तो वो जो भगवान हैं, शास्त्र हमें बताते हैं कि वो भगवान
कौन है, कब आने वाले हैं। हमारे शास्त्र इतने सही हैं, इतने सटीक हैं कि इनमें हजारों वर्षों पहले ही आने वाले युगों तक के बारे में बता दिया जाता है कि भगवान कब आएंगे, किस नाम से आएंगे, एंड यहाँ तक कि उनके माता पिता का क्या नाम होगा, वो कौन से गांव में आएंगे, और तो और वो क्या लीलाएं करेंगे। इसे ऐसा समझा जा सकता है जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखते हैं, तो व्यासदेव जी के सामने पिक्चर चलता है, या फिर यूं कहिए भगवान के समक्ष, और वो सब कुछ क्योंकि त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो इसलिए पहले से ही देखकर लिख देते हैं कि कौन भगवान है। तो इसी के माध्यम से जैसे हम देख सकते हैं बुद्ध अवतार, जो भगवान के अवतार हैं, उनके विषय में पहले से ही शास्त्रों में लिख दिया गया था कि बुद्ध भगवान आएंगे। ठीक इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी शास्त्रों में लिखा गया है कि वो कृष्ण हैं, कलयुग में आएंगे, इसी आधार पर हम उन्हें भगवान मानते हैं। तो ऐसे तो कुछ लगभग 25 से 30 प्रूफ हैं, 25 से 30 ऐसे ऐसे जगह हैं जिनमें शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में, उपनिषदों में, यहां तक कि वेदों में भी लिखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। सबको तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ मुख्य मुख्य जो श्लोक हैं उनको हम देख सकते हैं जिससे हमें पता चले कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। जैसे कि गरुड़ पुराण, ये एक बहुत ही फेमस पुराण है, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। तो इसी गरुड़ पुराण में लिखा गया है, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुता। इतना क्लियरली गरुड़ पुराण में लिख दिया गया है, मैं भविष्य में आऊंगा, अहम भविष्यामि मैं आऊंगा युग संध्यो, युग की संध्या में। अब युग तो हम सभी जानते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, बट युग संध्या, युग संध्या का मतलब है जब एक युग खत्म हो रहा होता है और दूसरा युग प्रारंभ हो रहा होता है। इसे हम लोग दिन में भी समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं संध्या का समय हो गया, शाम का समय हो गया, तो उस समय दिन खत्म हो रहा है, रात शुरू हो रही है, ऐसे समय को जब दो चीजें मिलती हैं उन्हें संध्या कहा जाता है। तो ऐसे ही जब एक युग समाप्त हो रहा है और एक युग प्रारंभ हो रहा है उसे युग संध्या कहा जाता है। तो इस समय युग संध्या में भगवान अवतार लेंगे, और कहां पर लेंगे, मायापुरे नवद्वीपे, मायापुर नवद्वीप धाम में भगवान अवतार लेंगे, भविष्यामि शचीसुता। और साथ ही साथ भगवान ने अपनी माता का नाम भी बता दिया, मैं शची सुत अर्थात शची माता का पुत्र बनकर आऊंगा। और इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध लोक विख्यात ग्रंथ है जिसे सभी पढ़ना जानते हैं और पढ़ना चाहते हैं, अक्सर सप्ताह कथा सब लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उस भागवत कथा में भी जो भगवान के प्रिय भक्त हैं प्रहलाद महाराज, जब उन्होंने नरसिंह देव की स्तुति की तो उस समय वे नरसिंह देव का एक नाम रखते हैं त्रियुग, मतलब आप तीन युगों में आते हैं तो क्या चौथे युग में नहीं आते। तब वहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रच्छन्न, आप चौथे युग कलयुग में आते हैं पर प्रच्छन्न मीन्स छुपे हुए अवतार में आते हैं, आप छिपकर आते हैं। इसका मतलब है कृष्ण काले काले नहीं आएंगे, हाथ में बांसुरी पकड़कर नहीं आएंगे, साथ में राधा रानी को लेकर नहीं आएंगे, कृष्ण आएंगे पर छुपकर आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कृष्ण है, मतलब भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो इतने छिपे हुए अवतार हैं कि जब कोई उन्हें कहता था कि आप साक्षात कृष्ण हैं तो दोनों कानों पर हाथ रखकर वे विष्णु 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 कहते थे कि सामान्य व्यक्ति को कृष्ण नहीं कहना चाहिए, मैं कृष्ण नहीं हूं। और भी शास्त्रों में जैसे पद्म पुराण में भी कहा गया है, और खासकर विष्णु सहस्र नाम जो हम लोग पढ़ते हैं, ये हम वो वाले बता रहे हैं जो बड़े फेमस पुराण या ग्रंथ है, तो विष्णु सहस्र नाम जो कि महाभारत का एक अंश है उसमें भी लिखा है सुवर्ण वर्ण हे मांगो वरांगस्त चंदनांगदी संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण।
भगवान का नाम दे रहे हैं सुवर्ण वर्ण हेमंग। भगवान का जो वर्ण है, उनका जो शरीर का कलर है वो एकदम सोने की तरह चमकता हुआ है, हेमंग। उनका अंग एकदम सोने की तरह चमकता हुआ है और संन्यासकृत, वो संन्यास लेंगे और शांति शम अर्थात अपनी इंद्रियों को मन को संयमित करके हमें दिखाएंगे, शांत रहेंगे और शांति परायण होंगे। तो ऐसे प्रभु तो श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं जो कलयुग में आए, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम से भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे पूर्व पुराण, आदि पुराण, गरुड़ पुराण, नरसिंह पुराण, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के आने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है कि हमने कुछ थोड़े शास्त्र देखे। राधिका जी, आप जब बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था ना कि एलेक्सा बात कर रही है, मतलब कैसे एक चीज पूछते हैं और वो एकदम एआई के जैसे स्टार्ट टू एंड एकदम टॉप नॉच एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है सोर्सेस के साथ। तो बिल्कुल आपने जैसा कहा अपने उत्तर में कई बार कि आप एकदम पॉपुलर पुराणों के नाम ले रही हैं जो बहुत लोग पढ़ते हैं, और वाकई जिस हिसाब से आप कह रही हैं कि शास्त्रों के बेसिस पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। माता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें ये तो बता दिया है कि शास्त्र उच्च स्वर में एक साथ कह रहे हैं कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण अवतार लेने वाले हैं। आपने ये भी बताया कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान का ये थोड़ा छुपा हुआ अवतार है, भगवान छुप के आ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो भगवान कृष्ण की छवि है जिसे आज हर एक भारतीय अपने दिल में बसाए रखा है, वो जो नन्हे से हैं, उनके सर पे मोर का पंख है, उनके हाथ में बांसुरी है, तो और उनका मतलब मैं कह रही हूँ वो जो फॉर्म है ना वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, तो आखिर भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ही क्यों लिया? चलिए हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो भगवान कृष्ण है, बट वाई डिड ही चूज टू कम इन दिस वे? क्योंकि जो उनका एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फॉर्म है वो तो ऐसे ही लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने हमें बताया कि भगवान ये एक सन्यासी के रूप में आते हैं, तो एक सन्यासी के रूप में वो क्यों आए? यस, तो कृष्ण जो कि सबके लिए मनमोहक हैं और मोर का पंख बांसुरी धारण करते हैं, आप ये जब बार बार बोल रही हैं मोर का पंख बांसुरी, तो इससे हमें समझना चाहिए कृष्ण की पहचान है। तीन चीजों से कृष्ण जाने जाते हैं, मोर पंख, बांसुरी और टेढ़ी टांग। अगर ये तीन हैं तो मतलब कृष्ण है। तो यस, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों लिया, तो इसके लिए भी श्री चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया गया है कि वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए। वास्तव में जब कृष्ण कृष्ण अवतार में आए, कृष्ण भगवान आए द्वापर युग में, तो उस समय श्रीमती राधा रानी, अन्य सखियां और सभी भक्त भगवान के साथ बहुत ज्यादा प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। खासकर ब्रज लीला में यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सब लोग भगवान से बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और जैसा आपने कहा कि वो इतने अट्रैक्टिव हैं कि सबको अपनी ओर खींच रहे हैं, जैसे एक चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे कृष्ण सबको अपनी ओर खींच रहे हैं। और उनका नाम का मतलब भी यही है, कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक, तो सबको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो जब कृष्ण ने ये देखा कि सब लोग मेरी तरफ खींचे चले आते हैं और सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सिर्फ भारतवासी नहीं, पूरा श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से पूरा विश्व कृष्ण की तरफ खींचा हुआ है, तो कृष्ण, अच्छा सब लोग कृष्ण की तरफ खींचे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कृष्ण स्वयं भी अपनी ओर खींचे हुए हैं। कृष्ण स्वयं अपने सौंदर्य को देखकर सोचते हैं कि मैं इतना सुंदर कैसे हूं। कभी कभी जैसे मणियों के खंभे थे भगवान के यहाँ पर, तो कभी कभी जब अपने को मणि के खंभे में देखते हैं तो स्वयं से आकर्षित हो जाते हैं और सोचते हैं ये कितना सुंदर पुरुष है, ये कितने सुंदर है। तो कृष्ण का सौंदर्य स्वयं उनको भी आकर्षित करता है। तो इसी लालसा ने, इसी आकर्षण ने वास्तव में ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार प्रकट किया है, क्योंकि कृष्ण ने विचार किया मुझ में ऐसा क्या है जो सब लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं।
और सब लोग मेरी भक्ति करके इतना आनंदित हैं। मतलब आप देखिए, बड़े बड़े संत महापुरुष वैष्णव सब कुछ छोड़कर केवल कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, और जब जब भी उनसे बात की जाती है वो सदैव प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं रहती। भौतिकतावादी लोग इतनी इतनी परिश्रम करते हैं, इतनी इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी वो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस और भी पता नहीं क्या क्या वो इसी में रहते हैं। पर भक्त सब कुछ छोड़ देते हैं और कृष्ण का भजन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जब कृष्ण कहते हैं मुझसे कुछ ले लो इसके बदले में, आप लोग मेरी सेवा कर रहे हो, तो दीयम् आनन्दं गृह्णन्ति, देने पर भी भक्त कुछ लेते नहीं है। वो कहते हैं नहीं, बस मुझे आपकी भक्ति करनी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो कृष्ण ने सोचा मुझ में ऐसा क्या है जो लोग सब कुछ छोड़कर मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरे से खिंच रहे हैं, मेरी भक्ति कर रहे हैं। मैं अपना स्वाद लेना चाहता हूं, मैं अपने को चखना चाहता हूं। तो अब मिश्री सबको मिठास देती है, पर वो खुद की मिठास खुद अनुभव नहीं कर सकती है। अगर मिश्री को अपनी मिठास अनुभव करनी है तो उसे खाने वाला ही बनना पड़ेगा, तभी वो अपनी मिठास ले सकती है। तो कृष्ण अगर अपनी भक्ति, अपना स्वाद, अपना आकर्षण का कारण जानना चाहते हैं तो वो कृष्णा फॉर्म में उसे नहीं जान सकते, उन्हें भक्त ही बनना पड़ेगा। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं, ये जो कृष्ण का आकर्षण है, इसका स्वाद एकमात्र भक्तों का अधिकार है, इसे कृष्ण भी नहीं ले पाते हैं। जब कृष्ण को भी ये लेना हुआ तो वो एक भक्त के रूप में आए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने देखा राधा रानी मुझसे प्रेम करती हैं, ऐसा मुझ में क्या है, मेरी भक्ति का वो क्या स्वाद है। तो वो चखने के लिए वास्तव में भगवान श्री कृष्ण एक प्रमुख कारण है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कि अब मुझे अपना स्वाद लेना है, अपनी भक्ति का जो आकर्षण है उसे जानना। मतलब राधिका जी, सुनने मात्र से ऐसा लग रहा है कि क्या भगवान सच में इतने सुंदर हैं कि भगवान स्वयं अपने आप से आकर्षित हो जाते हैं, और वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं अब अपना स्वाद लेना चाहता हूं, और केवल इस वजह से उन्हें एक भक्त के रूप में आना पड़ा। माता जी, कई बार हम इस्कॉन के भक्तों को ऐसा बोलते हुए सुनते हैं, आपने भी कई बार अपने शोज में आकर हमें या हमारे दर्शकों को ये प्रेरित किया है कि हम हरि नाम का जप करें, और ऐसा कहते हैं लोग कि यदि हम हरि नाम का जप करेंगे तो हम भगवान के प्रति अपने हृदय में जो प्रेम ऑलरेडी सुप्त अवस्था में है उसे हम जागृत कर सकेंगे। और जैसा आपने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण आए थे अपने कृष्ण के अवतार में, तब हर किसी ने उनके साथ प्रेम भरा आदान प्रदान किया। माता जी, क्या भगवान कृष्ण कलयुग में ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए, इसके पीछे भी एक कारण है? Yes. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कलयुग में ही क्यों आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कलयुग में ही आए, इसके पीछे कोई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कारण है। और ये भी तय है कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में ही आते हैं, हमेशा चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। मतलब अभी हम लोगों को इस वाले कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु मिले हैं, आगे आने वाले कई सौ कलयुगों में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आने वाले हैं, और आने वाले कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलने वाले हैं। तो वास्तव में ये हम सबका सौभाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में जितने चतुर्युगी होते हैं उसमें से 28th में श्री कृष्ण आते हैं। सातवें मन्वंतर के 28th में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और जस्ट उसके बाद वाला जो कलयुग होता है श्री चैतन्य महाप्रभु केवल उसी में आते हैं, हर कलयुग में नहीं आते। तो इसीलिए ये हम सबका सौभाग्य है। तो ये तो तय रहा कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आते हैं, पर क्यों आते हैं, तो इसके पीछे का जो कारण है चैतन्य महाप्रभु ने अपने अवतार के साथ ही साथ स्पष्ट कर दिया। वो कैसे? जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार ग्रहण किया तो उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। तो चंद्र ग्रहण में हमारे भारत में परंपरा है, आप भी अवश्य जानते होंगे, पवित्र नदियों में स्नान करना,
कुछ खाना पीना नहीं, कुछ इधर उधर की बातें नहीं करना, सोना नहीं है, और सबसे अच्छा उस समय के लिए है कि बस भगवान के नामों का कीर्तन किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए, बस ये सबसे अच्छा। तो जब चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेने ही वाले थे, उस समय पर सभी लोग, पूरे भारत के लोग, केवल नवद्वीप धाम के ही नहीं, पूरे भारत के लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, और उस समय सभी लोग एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तो ऐसा कहा गया है, जब चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया तो पूरा आकाश हरे कृष्ण महामंत्र के शब्द से गूंज रहा था। पूरे के पूरे आकाश में हरे कृष्ण महामंत्र था। एक ओर हरे कृष्ण महामंत्र गाया जा रहा था और दूसरी ओर श्री शची माता के गर्भ से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। तो कलयुग में ही महाप्रभु क्यों आए, वो उन्होंने अपने अवतार के साथ ही स्पष्ट कर दिया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है। और जैसा कि सभी सामान्य लोग जानते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग का आधार केवल भगवान का नाम है। ठीक है, ये मुंह की बोली हुई बातें हैं, हम सब इन्हें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, पर कर कोई नहीं रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर इसे हमारे जीवन के लिए प्रैक्टिकल बना दिया कि कलयुग का आधार अगर भगवान का नाम है तो उसका जप करो। सिर्फ ये लाइन बोल देने से कि कलयुग केवल नाम आधारा, हम लोग इस संसार से पार जाने वाले नहीं हैं। जैसे अगर कोई बीमार है, वो डॉक्टर के पास गया है और उसने बहुत अच्छे से डॉक्टर को चेकअप करवा लिया है, सारे टेस्ट हो गए हैं, डॉक्टर ने बड़ी अच्छी मेडिसिन लिखकर दे दी है, वो व्यक्ति मेडिसिन खरीद कर भी ले आया है, इतने मात्र से वो ठीक नहीं होगा, उसे वो दवाई मुंह में डालनी होगी, खानी होगी, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसे करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से कलयुग में भगवान का नाम है, कलयुग में भगवान का नाम है, इसी से बेड़ा पार है, कहने से हमारा बेड़ा पार नहीं होगा, इसे हमें प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाना होगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना होगा, ये सिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए अपने अवतार से, और फिर उन्होंने पूरे अवतार काल में हमें ये सिखाया। तो वास्तव में जो कलयुग का युग धर्म, इसे कहना चाहिए, जो कलयुग का युग धर्म है, उसे देने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए, क्योंकि बाकी साधन, ध्यान करना, तप करना, पूजा करना, ये हम कलयुग वालों के बस की नहीं है, और प्रैक्टिकली हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कलयुग में आए, इसीलिए वो कलयुग के अवतार। राधिका जी, बड़ी अच्छी तरह से आपने हमें स्पष्ट करके बताया कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में ही क्यों आते हैं। जब आप ये उत्तर दे रही थी तब मेरे मन में प्रश्न था, लेकिन आपने अपने उस उत्तर मात्र में मेरे उस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया है। मैं फिर भी आपसे वो प्रश्न पूछती हूँ। मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि जब हम भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, वेन ही केम एस कृष्ण, तो हम बहुत देखते हैं कि भगवान माखन खा रहे हैं, भगवान अपने दोस्तों, अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गायों को चरा रहे हैं। तो उस समय जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण आज करते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि भगवान इन्हीं इन्हीं चीजों से प्रसन्न होते हैं। जैसे यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो उन्हें अलग अलग तरीके का भोग लगाओ, गायों की सेवा करो, मंदिर बनाओ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमें कह रहे केवल हरि नाम लो, केवल हरि नाम लो। सो इफ दिस इज द सेम पर्सन, यदि कृष्णा ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो अभी वो ये अलग प्रकार की सेवा के लिए हमें प्रेरित क्यों कर रहे हैं? अभी ऐसा क्या बदल गया है कि अगर वही कृष्ण है तो अब वो भोग की लालसा क्यों नहीं होने कि मुझे भोग लगाओ, मेरी पूजा करो, या फिर मुझे बाहर जाना है ग्वाल बाल सखाओ के साथ, ये भगवान का इंटरेस्ट क्यों चेंज हो गया? वही कृष्ण दूसरी चीज क्यों बता रहे हैं, इसे हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जो कृष्ण ने अपने टाइम पर बताया वो भी ठीक था, जो चैतन्य महाप्रभु ने इस टाइम पर बताया वो भी ठीक है।
दो चीजें एक साथ कैसे ठीक है, जब लोग जबकि हम लोग तो मतलब एकदम लकीर के फकीर टाइप है, जो शास्त्र में एक बार कहा है हम लोग उसे ही मानते हैं, हम लोग दो चीजें क्यों मान रहे हैं? तो इसका एक कारण है, जैसे फिर डॉक्टर की बात आ रही है, डॉक्टर के उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास हम गए, बड़ी अच्छी दवाई लिखी उन्होंने, हम मेडिकल स्टोर से जाकर वो दवाई ले आए, हमने खा भी ली और फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं। हमने बिल्कुल अच्छे से ये प्रिकॉशंस के साथ 2 टाइम 3 टाइम गर्म पानी ठंडा पानी जैसा डॉक्टर ने कहा सब कुछ अच्छे से हमने किया, और हम आफ्टर 1 वीक जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि कोई मुझे तो फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, मैं जैसे कहीं तैसा हूं, मैं और बीमार अनुभव कर रहा हूं। तो डॉक्टर ढूंढते हैं क्या कारण हो सकता है। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या कारण हो सकता है? मेरे ख्याल से जब ऐसा होता है ना तो डॉक्टर हमें एक हायर डॉक्टर के पास भेज देता है। मतलब अक्सर ठीक जब है, हॉस्पिटल में जाते हैं और उस हॉस्पिटल को लगता है कि भाई ये केस हमारे बस का नहीं है, तो वो उसे तुरंत एडवांस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर ने ये भी करके देखा और अच्छे डॉक्टर के पास भेज दिया, दवाई ली, सब कुछ हुआ, दवाई खाई, कोई असर नहीं आ रहा है। दवाई ले रहे थे सही से? सही, पूरा ठीक से दवाई ली है, माता जी नो क्लू। क्योंकि दवाई जो थी उसका एक्सपायरी डेट आ गया था, वो खराब हो गई थी। तो अब अगर दवाई खराब हो गई तो वो काम नहीं करेगी, वो असर नहीं करेगी। दवाई एकदम ठीक है, आप ये नहीं कह सकते दवाई गलत है। डॉक्टर एकदम ठीक है, हम ये नहीं कह सकते डॉक्टर गलत है। हॉस्पिटल एकदम अच्छा है, हम ये नहीं कह सकते हॉस्पिटल खराब है। लेने वाला भी एकदम ठीक है, हम ये नहीं कह सकते लेने वाले की गड़बड़ी है। बट दवाई ही अब एक्सपायर हो चुकी है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से जो कृष्णा ने द्वापर युग में बताया, ऐसा ऐसा मेरी पूजा करो, अर्चा विग्रह का पूजन करो, एकदम ठीक है। कृष्ण भी ठीक है, मानने वाले भी ठीक है, और पूजा करना भी ठीक है। ऐसे ही सत्य युग में लोग ध्यान करते थे, तो सत्य युग भी अच्छा है, ध्यान भी अच्छा है, करने वाले योगी भी ठीक है। और इसी प्रकार से आगे चलकर लोग दान देते थे, तो दान भी बिल्कुल अच्छा साधन है, बहुत अच्छी चीज है दान देना। ये सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। फिर आगे चलकर त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करते थे। तो यज्ञ करना भी अच्छा है, त्रेता भी अच्छा है, यज्ञ करने वाले भी अच्छे हैं। तो यज्ञ करना, पूजा करना, ध्यान करना, ये सारे साधन बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही हैं, बट कलयुग में एक्सपायर हो गए हैं, कलयुग में काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो कलयुग की नई डेट की, न्यू डेट की दवाई है जो एकदम बिल्कुल सही है, वो है हरि नाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एकदम कलयुग के लिए, ये एकदम वो दवाई है जो कलयुग के लिए ही बनाई गई है। इति षोडश कम नामना कली कलमश नाशनम, ये कलयुग के कलमश का नाश करने वाला है। तो इसीलिए कृष्ण ने अपने समय में जो बताया वो उस समय में लोगों का चित्त एक्चुअली पवित्र होता था, वो लोग पूजा इत्यादि में ध्यान लगा पाते थे। अब अगर हम कलयुग वालों की बात करें तो हमारा ध्यान तो अपने परिवार अपने शरीर के अलावा लगाने से भी नहीं लगता है। हम लोग भी, आप देख रहे हैं, डिवोटी लोग भी बहुत बहुत समय से माला कर रहे हैं, पर अभी भी 10 10 साल बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ एक बार कृष्ण बोलने से आंख में आंसू आ रहे हैं या गला रुंध गया है, अभी भी ध्यान इधर उधर भटक रहा है। तो एक्चुअली हम लोगों का मन इतना पवित्र नहीं है कि हम लोग कृष्ण की पूजा कर सके। तो कृष्ण वाले प्रोसेस तक ही जाना है, जो कृष्ण ने बोला है मेरी पूजा करो मुझे भोग लगाओ तक ही जाना है। पर अभी हम लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे आ गया है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें भगवान का नाम बताया। भगवान का नाम जप करो और चेतो दर्पण मार्जनम, अपने हृदय की सफाई कर लो, और जब हृदय साफ हो जाएगा फिर कोई बोलेगा भी कि पूजा मत करो तो भी तुम रह नहीं पाओगे, पूजा करोगे ही करो। फिर वो जो कृष्ण का गोपियों से ब्रजवासियों से प्रेम था कि वो कृष्ण के बिना रह नहीं पा रहे हैं,
वो जो आपका क्वेश्चन था कि कृष्ण उस समय वो सब चाह रहे थे, फिर उनकी हम वो चाहत पूरी कर पाएंगे जब हम ये वाला प्रोसेस पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें कलयुग के अनुसार भगवान का नाम जप करना है और इससे बाकी सब कुछ अपने आप हो जाए। वाह राधिका जी, मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ आपकी। थैंक यू सो मच कि आप मेरे सारे कंसर्न्स को इतनी अच्छी तरह, इतनी डिटेल और इतने पेशेंस के साथ एड्रेस कर रही हैं। आई एम श्योर आपको सुनने देखने वाला एक-एक दर्शक हमारा आज अंदर ही अंदर इतना ज्यादा संतुष्ट है, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रश्न है ना माता जी, जिनके उत्तरों से हर कोई कन्विंस नहीं हो पाता। हर कोई, जैसे मैंने आपको आज श्रृंखला में 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए, तो हो सकता है कि मैं 2 प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हूं, लेकिन बाकी 2 में मैं अभी भी थोड़ी सी डाउटफुल हूँ। लेकिन आपने मेरे सारे प्रश्नों को इतने टाइम के साथ, इतने डिटेल के साथ सॉल्व किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको कहूंगी कि प्लीज मौके पे चौका मारिए, आपके मन में भी जो भी प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु को लेकर, वो निश्चित रूप से पोस्ट कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि हम सभी के प्रश्न ले सके। ये कोई ऐसा वैसा सेशन नहीं है, ये सीजनल सेशन है, ये गौर पूर्णिमा का सेशन है, और गौर पूर्णिमा कल ही है। तो कल, ताकि आप एकदम पूरे मन से गौर पूर्णिमा मना सके, इसलिए मन की सभी शंकाओं को दूर करने के इस सुअवसर को जाने न दे। आपके मन में जो भी प्रश्न है आप पोस्ट कीजिए, हम जल्द अब आपके प्रश्न लेने वाले हैं। तो माता जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि गौरांग महाप्रभु ने होली के समय अवतार क्यों लिया? क्या इसके पीछे भी कोई एक बहुत ही अच्छा कारण है जिससे उनके हम चौंक जाएंगे? ओके, तो होली कृष्ण का तो फेवरेट, बहुत ज्यादा फेवरेट एक उत्सव है, त्योहार है। और कृष्ण को लोग, अब ब्रज में जाएंगे तो कहते हैं होरी के रसिया, तो कृष्ण होली खेलना बहुत पसंद करते हैं, राधा रानी बहुत पसंद करती हैं। जग होरी ब्रज होरा, मतलब पूरे संसार में तो 1-2 दिन होली होती है, पर ब्रज में जाएंगे तो वसंत पंचमी से लेकर पूरा 1 महीना तक होली चलती रहती है। तो वास्तव में यह होली का बड़ा सुंदर पर्व है जिस पर चैतन्य महाप्रभु आए। तो जैसे यह जो होली का पर्व है, यह रंगों का पर्व है और यह खुशियों का पर्व है। और आप आज भी देखेंगे तो अधिकतर लोग यही जानते हैं केवल होली है, इससे आगे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है इसको लोग नहीं जानते। केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी की कृपा जिन लोगों पर है वे ही लोग जान पाए हैं, और उनसे जो लोग कनेक्टेड हैं वो कुछ लोग जानते हैं, बाकी बहुत से लोग आज भी हैं जो केवल होली जानते हैं और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है नहीं जानते। यहाँ तक कि हम जैसे नवद्वीप गए तो आप थोड़ा सा नवद्वीप से उस एरिया से जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जो एरिया, थोड़ा सा उससे थोड़ा भी हटकर जाएंगे वहां भी हमें देखकर आश्चर्य हुआ, लोग नहीं जानते कि श्री चैतन्य महाप्रभु का यह आविर्भाव दिवस है। तो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु आए इस होली के पर्व पर क्योंकि यह रंगों का पर्व है, और इससे एक नहीं बल्कि अनेकों अनेकों कथाएं जुड़ी हुई हैं जो हमारे भारतीय समाज में भगवान से जुड़ी हुई कथाएं हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज, बिल्कुल ये एक जगत प्रसिद्ध कथा है, कैसे प्रहलाद महाराज अपने विश्वास के बल पर उस होलिका से बचकर निकल गए, तो ये भी एक विश्वास का प्रतीक है। साथ साथ जो कृष्ण के सखा अर्जुन है उनका भी आविर्भाव दिवस है, होली के दिन ही अर्जुन का भी बर्थडे आता है। तो ये सब कुछ जो है बहुत सारी चीजें, और इन्हीं के साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु होली के पर्व पर आए, एक तो यही विशेष कारण है कि चंद्र ग्रहण था, चंद्र ग्रहण में हरिनाम हो रहा था उस समय महाप्रभु आए, और दूसरा यह रंगों का त्योहार, यह खुशियों का त्योहार जो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया जाता है, इसमें रंगों की वर्षा होती है। एक प्रकार से हम देखें गुलाल को लोग उड़ाते हैं, रंगों को उड़ा रहे हैं, इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने होली के इस पर्व पर रंगों के साथ साथ हरिनाम को उड़ाया, हरिनाम की वर्षा की। और इसके लिए उन्होंने होली का ही दिन क्यों चुना? आप देखिए, जब आप गुलाल उड़ाते हैं तो वो अब
उड़ाना आपके हाथ में है, बट वो उड़कर कहाँ कहाँ पर जाएगा वो आपके हाथ में नहीं है। आपने उड़ा दिया, वो कहीं पर भी जाकर बिखर सकता है, वो हवा थोड़ी सी तेज चली किसी के भी मुंह पर जा सकता है, वो कहीं पर जा सकता है। इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो हरिनाम की होली खेली है, इसमें उन्होंने कोई विचार नहीं किया कि मुझे इसे हरिनाम देना चाहिए या इसे नहीं देना चाहिए, ये जाति का शूद्र है या ये जाति का ब्राह्मण है या यह स्त्री है या यह पुरुष है या अभी तो ये छोटा बच्चा है या इसमें बुद्धि कम है या ये अनपढ़ है या ये पढ़ा लिखा हुआ है या ये बहुत अच्छे क्लास से बिलोंग करता है या ये बहुत निम्न कुल का है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जैसे गुलाल उड़ाते हैं वो कहीं भी जाता है, सब पर जाता है, इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हरिनाम की होली खेली है, ये गुलाल सबके ऊपर गया है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुले दिल से, जैसे आपने देखा होगा लोग छतों पर चढ़ जाते हैं होली खेलने में और ऊपर से रंग फेंकते हैं, खासकर जब आप ब्रज में जाएंगे तो ऊपर से, क्योंकि मंदिरों में नीचे कई बार बहुत स्थान नहीं होता है, बहुत भर जाता है, तो ऊंची जगह से चढ़कर मंदिरों में जैसे भगवान के पास या फिर और भी छतों पर चढ़कर, जैसे दाऊ जी का हुरंगा आदि देखेंगे, तो ऊंची ऊंची छतों पर चढ़कर बहुत ज्यादा रंगों की बारिश की जाती है और वो रंग सबके ऊपर आता है। ठीक इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा की छत पर चढ़ गए, क्योंकि जब कृष्ण के रूप में आए थे, किसी को मारा, किसी को तारा, किसी को छोड़ भी दिया, पर जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो एकदम कृपा की अटारी पर, कृपा की छत पर चढ़ गए। और फिर बस उन्होंने आंख बंद करके यह जो हरिनाम का गुलाल है वो सबके ऊपर उड़ाया, ये जिस किसी पर जाए उन्होंने सबके लिए इसे लुटा दिया। और खासकर उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु आए तो उन्होंने इस हरिनाम को उड़ाने में, जैसे गुलाल उड़ता है तो हवा थोड़ा सा हेल्प करती है, ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु इस हरिनाम को उड़ा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने और हेल्प किया और उसे और जन जन तक और सब लोगों तक, यहाँ तक कि जगाई मधाई चांद काजी, किन किन लोगों का नाम लिया जाए छोड़ा जाए जिनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध था, जिन्होंने गलती की, ऐसे लोगों को भी महाप्रभु ने यह हरिनाम दिया। तो होली के अवसर पर महाप्रभु आए और यही बताने आए कि इस बार मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं और ये गुलाल सबके ऊपर डालूंगा। और होली ऐसा त्योहार है सभी को पसंद होता है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए, सबको उन्होंने वास्तव में यह हरिनाम दिया और भगवान का नाम हमें प्रदान किया। सो ब्यूटिफुल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा था कोई होगा छोटा मोटा सा कोई रीजन, यू नो, कोई शास्त्रिक कारण होगा, फिलोसॉफिकल, लेकिन ये इतना ज्यादा रीजनेबल, इतना ज्यादा लॉजिकल और इतना ज्यादा सुंदर है अपने आप में। माता जी, अभी आप जब इस उत्तर को अंत में आपने कुछ दो तीन लोगों के नाम लिए, जगाई बधाई चांद काजी, और इसी पे मेरा अगला प्रश्न है, जब भगवान कृष्ण की बात आती है तो उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं जिनके बारे में हम सामान्य लोग जानते हैं, भगवान ने कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, कैसे भगवान ने कंस का वध किया, पूतना का वध किया, और कैसे भगवान ने अपने ग्वाल बाल सखाओं को, यू नो, वन में जो आग लगी थी उससे बचाया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लीलाएं हैं जो हम लोग जानते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने, चलिए आया, अवतार लिया, हरिनाम सब में बांटा, लेकिन क्या उनकी भी ऐसे कुछ विशेष लीलाएं हैं जिनको सुन के हम एकदम अचंभित हो जाते हैं और जिन्हें सुन के हमें लगता है कि यार ये तो भगवान ही कर सकते हैं, यदि इस व्यक्ति ने ये किया है तो निश्चित रूप से ये भगवान के अवतार हैं। क्या ऐसी एक दो लीलाएं हैं जो आप हमारे साथ शॉर्ट में साझा कर सकती हैं? यस, तो सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन पूरा बोल रहे थे तो उसमें आपने कहा कि सब लोग इसे नहीं जानते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जितने लोग जानते हैं उन्हें अपने को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि भगवान का यह अवतार और उनकी लीलाएं जो छिपी हुई हैं उन्हें भगवान ने हमें भी जनाया, क्योंकि उनकी कृपा के बिना उन्हें कोई नहीं जान सकता। तो श्रीला प्रभुपाद ने जो भगवान की कृपा को आगे बढ़ाया, हमारा पता नहीं ऐसा कौन सा सौभाग्य था जो हम प्रभुपाद जी के मिशन में आए और चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को जान पाए। तो जो लोग जानते हैं वो वास्तव में बहुत 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 धन्य हैं जो कलयुग के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी ये गूढ़ अंतरंग लीलाओं को जानते हैं। यस,
चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी बहुत सारी लीलाएं की। चैतन्य महाप्रभु ने पूरा 48 वर्षों तक इस धराधाम पर अपनी लीलाएं की। 24 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो इस हिसाब से हम देखें तो आधी आयु उन्होंने गृहस्थ आश्रम में बिताई और अपनी जो लीला काल है उसका आधा हिस्सा उन्होंने संन्यास में बिताया। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिसको देखकर पता चलता है कि ये स्वयं भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा छिपाना चाहते थे, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना कि ये छिपा हुआ अवतार है, तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा छिपाना चाहते थे कि मैं भगवान हूं। पर भक्त लोग उन्हीं की लीलाओं के माध्यम से ये जान लिया करते थे कि ये तो स्वयं भगवान ही है। तो चैतन्य महाप्रभु के बचपन और फिर युवावस्था में भी ऐसी कई लीलाएं हैं जो केवल भगवान ही कर सकते हैं। एक दो लीलाएं बहुत शॉर्ट में हम लोग चर्चा करेंगे समय के अनुसार। तो एक बार की बात है, ये बड़ी सुंदर और रोचक कथा है क्योंकि भगवान के बाल्यकाल से, बचपन से जुड़ी हुई है। तो बच्चों की बातें करना सुनना बहुत अच्छा लगता है सभी को। तो चैतन्य महाप्रभु का यह बचपना है, उन्होंने एक बड़ी सुंदर लीला की। एक बार की बात है, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो ब्राह्मण परिवार से थे और इनके माता पिता ब्राह्मणों के प्रति, भक्तों के प्रति बहुत श्रद्धा रखने वाले थे। जगन्नाथ मिश्र और शची माता इनके माता पिता के नाम हैं। तो एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु के घर पर जब वो बहुत ही छोटे थे एक ब्राह्मण आए। और वो ब्राह्मण कैसे थे, वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे। अब आजकल हम लोगों का तीर्थ यात्रा पहले के तीर्थ यात्रा से एकदम ऑपोजिट है। आजकल हम लोग जाते हैं पहले से ही होटल्स बुक हो जाते हैं, खाना पीना रहना सारी व्यवस्था हो जाती है, फोन कॉल्स होते रहते हैं घर वालों को और सब कुछ, मतलब आने जाने की व्यवस्था। पर पहले जब तीर्थ यात्रा होती थी तो लोग सब कुछ छोड़कर बस निकल जाते थे और घर के लोग भी ऐसा मान लेते थे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कब तक आएंगे अब कुछ नहीं पता, उनको 2 साल 3 साल 5 साल कितना भी लग सकता है, तो ये अनिश्चित होता था और रहना खाना भी अनिश्चित होता था। पहले तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, किसी भी गांव में गए, पता चला यहाँ पर कोई भगवान का भक्त है, वहीं पर रुक गए, उन्होंने जो कुछ भोजन की व्यवस्था कर दी वो खा लिया। और किसी किसी दिन जंगल में निर्जन स्थान में भी रुकते थे जहां पर कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, तो बिना खाए पिए भगवान का भजन करके रहते थे। वास्तव में वो तीर्थ यात्रा करते थे, तो उस समय पर तीर्थ यात्रा ऐसे होती थी। तो ऐसे ही एक तीर्थ यात्रा करते हुए तैर्थिक ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पर आए। जगन्नाथ मिश्र ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया और अपने घर पर निमंत्रण दे दिया, आप आइए और हमारे यहाँ पर विश्राम कीजिए, क्योंकि आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, अब दिन ढलने ही वाला है, आप हमारे यहाँ पर विश्राम कीजिए और साथ साथ कुछ भोजन भी कीजिए। तो वो जो ब्राह्मण थे वो ठहरने के लिए मान गए। तो श्री जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि अब आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं अपनी पत्नी से कहकर आपके लिए बनवा देता हूँ। तो ब्राह्मण का एक नियम था, वे स्वपाकी थे, मतलब जो कुछ भी खाते थे खुद से ही बनाकर खाते थे। तो अब उन्होंने कहा कि मैं खुद से बनाकर ही खाता हूँ और इस समय अब शाम का टाइम हो गया है, कुछ बनाने का ज्यादा इच्छा भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा फ्रूट्स जैसा कुछ दे दीजिए, मैं वो खा लेता हूँ। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, हमारे घर ब्राह्मण आए हैं, हमने पूरा भोजन कर लिया है, अब आप केवल फल खाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा, आप पूरा भोजन कीजिए, हम आपको सारा सामान, आटा दाल चावल चीनी जो कुछ चाहिए हम आपको दे देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि अब आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मान लेता हूँ। तो सारा सामान आया, उन्होंने बहुत अच्छे से मन से अपने गोपाल जी के लिए सारा भोजन बनाया और सारा भोजन बनाकर अब उन्होंने भोग लगाने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया। तो अपने बर्तन में लेकर गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं और आंख बंद करके भोग लगाने का मंत्र पढ़ रहे हैं। और जैसे ही भोग लगाने का मंत्र पढ़ रहे हैं, भगवान का आह्वान कर रहे हैं, उसी समय क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जो कि छोटे से बच्चे हैं वहां पर आ गए और ब्राह्मण का भोजन खाने लगे। अब जब ब्राह्मण का भोजन खाने लगे तो बच्चे के खाने में, जब नया नया बच्चा खाना सीखता है वो कुछ कुछ खाने की आवाज होती रहती है, तो वो खाने की आवाज हुई, उसे देखकर ब्राह्मण ने सोचा क्या गोपाल जी खा रहे हैं, कौन खा रहा है,
जैसे ही उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो चैतन्य महाप्रभु बड़ा क्रोधित हुआ। खैर उस समय उनका नाम चैतन्य महाप्रभु नहीं था, निमाई पंडित था, तो सब निमाई बोलते थे। तो निमाई वहां पर भोजन कर रहे हैं ऐसा देखकर, अरे तो उन्होंने फिर शोर मचाया, ये बच्चा यहाँ पर भोजन कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो माता पिता आए और जैसा देखा जाता है कि अतिथि मना करते रहते हैं, मत डांटिए, पर माता पिता फिर भी डांटते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथ मिश्र अशची मैया ने चैतन्य महाप्रभु को डांटा और कहा, तुमने ब्राह्मण का भोग झूठा कर दिया, भोग नहीं लगेगा, ब्राह्मण नहीं खाएंगे, ये तुमने कैसा किया। अब चैतन्य महाप्रभु को निमाई पंडित को पकड़ कर ले गए, निमाई को पकड़ कर ले गए। अब जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हुई, पहले ही आप बनाने के लिए मना कर रहे थे, फिर भी आपने प्रयास करके बनाया, मेरे बच्चे ने झूठा कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आप नहीं बनाएंगे नहीं खाएंगे तो मुझे और बुरा लगेगा, अब आप दोबारा बनाइए। तो अब उन ब्राह्मण ने पहले मना किया पर फिर भी इतना आग्रह कर रहे थे तो फिर से बनाया, फिर से सब कुछ बनाया, इस बार थोड़ा बनाया, ये अभी ज्यादा बनाने के लिए हिम्मत नहीं है, थोड़ा बनाया। फिर से गोपाल जी को भोग लगाने के लिए बैठे, मंत्र पढ़ने लगे और जैसे ही मंत्र पढ़ने लगे फिर से निमाई आए और वो खाने लगे। अब जब खाने लगे तो फिर से ब्राह्मण ने देखा और फिर से हल्ला किया, भोग झूठा कर दिया, भोग झूठा कर दिया। अब तो जगन्नाथ मिश्र बड़े क्रोधित हुए और शची मैया को कहा, निमाई को पकड़ कर ले जाकर दूसरे के घर में बंद करके आओ, इसे कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा देना और ताकि ये निकल ही ना पाए। अब वो उनको कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अब आप दोबारा बना लीजिए, दो बार बना चुके हैं, फिर भी उन्होंने कहा, प्रयास किया। चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था विश्वरूप, वो बहुत ही ज्ञानवान और गुणवान थे, वो भी आए और उन्होंने भी कहा, हे विप्रवर आप बनाइए बनाइए। फिर उन्होंने दोबारा थोड़ा सा बनाया और अब रात्रि का समय हो गया था, सब लोग थक गए थे तो सब लोग सो गए और विप्र अकेले ही बना रहे थे, भोग लगा रहे थे और सबको अब टेंशन भी नहीं थी कि दूसरे के घर में और कुंडी लगी, अब तो कहीं से ही निकल कर आएगा निमाई। तो इससे सब आराम से बैठे हुए थे, मतलब सो गए। और अब उस ब्राह्मण ने दोबारा से भोग लगाना प्रारंभ किया, मंत्र पढ़ना शुरू किया, चैतन्य महाप्रभु फिर से आ गए। अब उस ब्राह्मण ने देखा और जैसे ही हल्ला मचाने लगे तब महाप्रभु ने कहा, तुम शांत हो जाओ, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम बार बार मंत्र पढ़कर मुझे बुलाते हो और जब खाने आता हूं तो हल्ला मचाते हो। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपने गोपाल जी को, कृष्ण को बुलाता हूँ खाने के लिए और बार बार तुम आकर भोग झूठा कर देते हो। तब निमाई ने, छोटे से बालक ने स्वयं भगवान के रूप में उन ब्राह्मण को दर्शन दिया और कहा कि मैं वास्तव में कृष्ण ही हूं, तुम मुझे बुलाते हो और मेरा भक्त मुझे बुलाए और मैं आकर ना खाऊं तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, तुम बुलाते हो इसीलिए मैं खाता हूं, और अब तुम मेरा दर्शन करो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। सेम ऐसी लीला हुई थी जब भगवान कृष्ण के रूप में आए थे, तब भगवान, और वो ब्राह्मण यही ब्राह्मण थे, ये उनका कलयुग में जन्म हुआ था। तो निमाई ने कहा कि तुम याद करो, तुम नंद भवन में आए थे और तब भी तुमने बार बार मेरा नाम बिगाड़ा था, तब मैंने तुम्हें दर्शन दिया था, आज फिर मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। और हाँ, अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक बात का ध्यान रखना, मैं कृष्ण हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, ये बात तुम्हें किसी को नहीं बताना है, तुम छुपकर नवद्वीप में रहो और मेरी लीलाओं का दर्शन करो, पर अगर तुम किसी को बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये उन्होंने डराने के लिए बोला, ताकि भगवान नहीं चाहते थे, क्योंकि छन्न छुप कर आए हैं तो नहीं चाहते थे सबको पता चले मैं भगवान हूँ, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा और उनके साथ इस प्रकार से लीला की। तो क्या लगता है आपको, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। यस तो ये वास्तव में ऐसी लीला है चैतन्य महाप्रभु की जो केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। और समय है क्या एक और छोटी सी लीला के लिए, या आप बताइए माता जी, शॉर्ट में हम उसको करेंगे? ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लेते हैं। जब निमाई बड़े हुए तो वो निमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुए, पंडित मतलब बहुत ज्ञानवान। तो वहां पर एक केशव काश्मीरी नाम के पंडित आए जो कि सभी जगह के ब्राह्मणों को जीत कर, शास्त्रों में सबको जीत कर, और अब नवद्वीप में आए थे
और उन्होंने सोचा अब मैं यहाँ के भी सब ब्राह्मणों को हरा दूंगा और मैं फिर दिग्विजयी मतलब सबसे बड़ा पंडित बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो नवद्वीप में आए और नवद्वीप के सब लोग डरे हुए थे कि अब ऐसे ब्राह्मण से कौन शास्त्रार्थ करेगा, ऐसे पंडित का सामना कौन करेगा। सब लोग डर ही रहे थे क्या करें क्या करें। तो इसी उधेड़ बुन में जो निमाई पंडित हैं वो गंगा जी के किनारे ऐसे टहलने के लिए निकले थे। इधर से केशव काश्मीरी भी आए और टहल रहे थे। तो जब टहल रहे थे तो केशव काश्मीरी ने सोचा कि देख लेते हैं यहाँ के पंडित कितना जानते हैं। निमाई पंडित उस समय में बहुत माने हुए पंडित थे, तो सोचा इन्हीं से थोड़ी बात करके यहाँ के लोगों का हिसाब पता चल जाएगा। ये तो मुझे क्या ही शास्त्रार्थ में हराएगा, छोटा सा बच्चा है। तो उन्होंने इस प्रकार से सोचा और बातें होने लगी। तब निमाई पंडित ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप गंगा जी की महिमा में थोड़ा मुझे श्लोक सुना दीजिए, अभी गंगा जी की ही बात है तो उन्हीं के बारे में सुना दीजिए कुछ। तो उसी समय केशव काश्मीरी जी ने 100 श्लोक, संस्कृत के 100 श्लोक उसी समय में बनाकर तुरंत सुना दिए, अपने आप से बनाए और अपने आप से 100 के 100 श्लोक। और ऐसा नहीं सोच सोच कर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं, लाइक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता उत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवानि कं युधं दुर्योधनस्य दाचरणं संगमे राजवचन, ऐसा इतनी तेज तेज, लाइक अगर कोई सामान्य सुनेगा तो समझ भी नहीं पाएगा आधा कि क्या बोला क्या नहीं, इतना उन्होंने तेजी से 100 श्लोक सुनाए। और उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। तो इधर निमाई पंडित ने कहा, ये जो आपने 64वां श्लोक बोला है और महाप्रभु ने एज इट इज सुना दिया, 100 श्लोकों में से जो 64वां श्लोक बोला है उसे आप थोड़ा ये दोबारा सुनाइए, इसमें जो गलती है और जो सही है वो मुझे आप बताइए, इसके गुण और दोष मुझे बताइए। तो उस केशव काश्मीरी पंडित ने कहा, मैंने 100 श्लोक इतनी जल्दी जल्दी सुनाए, तुमने याद कैसे कर लिया, मतलब 64वां बोला है मतलब तुम्हें सारे याद हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान की कृपा से कोई कवि हो सकता है तुम जैसा, तो उन्हीं भगवान की कृपा से कोई श्रुतिधर भी हो सकता है मेरे जैसा, जो कि वो सुनकर याद कर ले। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ठीक है गुण दोष बताओ। तब उन पंडित ने कहा कि इसमें दोष तो कोई नहीं है, गुण बहुत सारे हैं श्लोक में। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर आप गुस्सा ना करो तो मैं एक दो बताऊं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम गलती बता सकते हो, पहले तो श्लोक को याद कर लेना और इतनी जल्दी एनालाइज कर लेना दिमाग में कि इसमें क्या गलती है क्या ठीक है, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए। तो जो उन्होंने गंगा जी की महिमा में श्लोक पढ़ा था उसमें कुछ कुछ महाप्रभु ने बताया, लाइक एक था भवानी भर्तु, उन्होंने कहा जो शंकर जी हैं वो इसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो शंकर जी के लिए केशव काश्मीरी जी ने नाम दिया भवानी भर्तु। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये गलत है, कैसे, भवानी का मतलब है जो भव की पत्नी है, ऑलरेडी क्लियर है कि वो शंकर जी की पत्नी है, शंकर जी की पत्नी के पति भवानी भर्तु का ये मतलब है, अगर एकदम वर्ड टू वर्ड लें शंकर जी की पत्नी के पति, तो इससे ऐसा लगता है कि शंकर जी की पत्नी के कोई और भी पति थे, शंकर जी की पत्नी के पति, शंकर जी की पत्नी कह दिया मतलब शंकर जी उनके पति हैं, भवानी बहुत था पर भवानी भर्तु, तो ये आपने गलत कहा, ये प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कई गलतियां उस श्लोक में निकाली। उसे सुनकर केशव काश्मीरी जी सच में दंग रह गए, बड़े लज्जित हुए। बाद में सरस्वती जी ने उन्हें स्वप्न में आकर कहा कि मैंने तुम्हें दिग्विजय का वरदान दिया था पर मनुष्यों से जीतने का आशीर्वाद दिया था, जिनसे तुम भिड़ बैठे हो वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं कृष्ण है, उन्हें तो मैं भी नहीं जीत सकती, तुम क्या जीत सकते हो, मैं स्वयं उनकी दासी हूँ, जाओ उनसे क्षमा याचना करो। तब केशव काश्मीरी जी आए, चैतन्य महाप्रभु से क्षमा याचना की। तो ये एक और ऐसी लीला है जिससे पता चलता है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और ये दो उनके लगभग बाल्यकाल और जवानी यौवन की ही लीलाएं हैं, ऐसी अन्य अनेकानेक कथाएं हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। राधिका जी बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतनी रोचक तरीके से इतने शॉर्ट में हमें कथाएं सुनाई और ऐसा लगा भी नहीं कि आपने कुछ मिस आउट किया है। जब आप ये लीलाएं सुना रही थी तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि हमें एक सेशन केवल लीलाओं पर ही रखना चाहिए था,
लेकिन क्योंकि हमारे एक दर्शक सेशन नहीं, एक सेशन नहीं, पूरा एक हफ्ता या एक महीना। बिल्कुल बिल्कुल क्या है ना, दर्शकों को यस बताना भी बहुत जरूरी है कि गौरांग महाप्रभु कौन है। अभी हम बिल्कुल अपने दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे ऑडियंस बेस को अच्छी तरह पता चल चुका है कि गौरांग महाप्रभु कौन है। और अब हम आने आने वाले वर्षों से, जैसा आपने कहा, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं पर एकदम स्पेशल एक अलग से सेशंस रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें गौरांग महाप्रभु के विषय में ये दो ऐसी महान लीलाओं से अवगत कराया जो फिलहाल के लिए पर्याप्त है। आगे बढ़ेंगे माता जी क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। बहुत सारे लोग उतावले हो रहे हैं अपने मन के प्रश्न आपके सामने रखने के लिए। कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मनोज कुमार, हरे कृष्णा, गौर पूर्णिमा कैसे मनाई जाए? बहुत सुंदर और एकदम जैसे कहते हैं ना सामयिक प्रश्न, मौके पर किया हुआ प्रश्न है। जैसे आपने कहा था ना मौके पर चौका, तो मनोज कुमार जी ने मौके पर चौका मार लिया है। गौर पूर्णिमा कैसे मनाई जाए? यस, तो गौर पूर्णिमा मतलब सबसे पहले हमें समझना है कि यह चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो आप देखिए संसार में जब भी किसी का बर्थडे होता है तो हम वो सब करते हैं जो उन्हें प्रिय होता है। तो अभी हमें वो सब करना है जो चैतन्य महाप्रभु को प्रिय है। और चैतन्य महाप्रभु को क्या प्रिय है और गौर पूर्णिमा कैसे मनाई जानी चाहिए, इसे हमें सिखाया है श्री श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान और प्रामाणिक आचार्यों ने। तो गौर पूर्णिमा जब मनाएं तो हमें व्रत रखना है, उपवास करना चाहिए, क्योंकि जितने भी विष्णु तत्व होते हैं हम उन पर व्रत उपवास रखते हैं उनके आविर्भाव दिवस पर। तो कल के दिन भी अर्थात गौर पूर्णिमा पर भी उपवास रखा जाना चाहिए। और साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु गौर निताई जी के विग्रह यदि आपके घर में हैं तो उनका अभिषेक करना चाहिए बहुत सुंदर प्रकार से। उनको बहुत सारे भोग लगाने चाहिए, खासकर अब मौके की बात है तो बता दें श्री चैतन्य महाप्रभु को केले का फल बहुत प्रिय है, तो प्रयास करें केला श्री चैतन्य महाप्रभु को अवश्य भोग लगाएं। और साथ ही साथ यदि आसपास में कोई इस्कॉन का मंदिर है, कोई सेंटर है, वहां पर जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है ऐसे ही गौर पूर्णिमा मनाई जाती है, आप वहां पर जाएं, अपनी सेवाएं दें, वहां पर अभिषेक का दर्शन करें। और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा हमने कहा जिसका बर्थडे होता है उसे जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन में, पूरे जब उन्होंने जितना भी लीलाएं किया सभी लीलाओं को करते हुए उन्होंने दिखाया, बचपन में भी, यौवन में भी, और जब उन्होंने लीला संवरण किया, हमेशा भगवान का नाम उन्होंने अपने साथ रखा। उनका जन्म हुआ भगवान के नाम के साथ, जैसे हमने चर्चा किया जब उन्होंने अपनी यौवन की लीलाएं की तो उन्होंने भगवान के नामों का कीर्तन किया। जब उन्होंने संन्यास लिया तो संन्यास उन्होंने इसी ले लिया ताकि वे स्थान स्थान पर जाएं और भगवान के नाम का प्रचार कर सकें। तो चैतन्य महाप्रभु का मोस्ट फेवरेट डिश, जैसे हमने कहा केला, पर केले से भी ज्यादा कोई फेवरेट डिश है तो वो हरि नाम है। तो प्रयास करें कल अधिक से अधिक होली नेम्स, भगवान के नामों का कीर्तन करें, जप करें, इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। और सबसे बड़ी बात, चैतन्य महाप्रभु से कृपा मांगे कि हमें भगवान का नाम अभी बिल्कुल मीठा नहीं लग रहा है, हमें इसमें आनंद नहीं आ रहा है, हमें ड्यूटी जैसा लगता है, 2 घंटे 16 माला किया खत्म हो गया ठीक है, पर आप हम पर कृपा कीजिए क्योंकि आपके पास वो टेस्ट है, आपके पास वो स्वाद है, आप कृपा कीजिए वो स्वाद हमें भी दीजिए, थोड़ा सा भी हमें टेस्ट आए भगवान के नाम में, हमें भी कभी ऐसा लगे कि हाँ मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, कभी ऐसा लगे कि जन्मों हो गए कृष्ण से मिले हुए, मैंने कृष्ण को नहीं देखा, कितने जन्म हो गए उनसे बिछड़े हुए, कभी उनके लिए मुझे भी रोना आए जैसे अपने परिवार के लिए मुझे रोना आता है, कुछ ही दिनों में आ जाता है, यहाँ जन्मों बीत गए कृष्ण से बिछड़े, अभी तक मुझे विरही नहीं अनुभव हो रहा है। तो भगवान से कृपा की याचना करें, भगवान का नाम जप करें, अभिषेक मनाएं,
और चैतन्य महाप्रभु का जितना भी लीलाएं हैं उनका श्रवण करें। और हमें लग रहा है कल हरे कृष्णा टीवी पर बहुत सारे प्रवचन आएंगे जिसमें आप अभिषेक का दर्शन कर सकते हैं और प्रवचन सुन सकते हैं। एक भी मिस ना कीजिए और ऐसे ही गौर पूर्णिमा मनाइए। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच मनोज जी, आपके इस प्रश्न के माध्यम से माता जी ने हम सभी तक गौर पूर्णिमा मनाने की इतनी सुंदर और सरल विधि पहुंचाई। जैसा आपने कहा माता जी, गौर पूर्णिमा मनाने की बहुत ही सरल और एक अच्छा सा विधि आपने बताया है, और आपने एक सिंपल लॉजिक हमारे सामने रखा कि जिसका बर्थडे होता है उसकी मनपसंद चीजें करनी चाहिए। इसी कड़ी में दर्शकों मैं आपको बता दूं कि आप हरे कृष्ण टीवी के थ्रू भी गौर पूर्णिमा के इस इतने इतने सुअवसर पर दान दे सकते हैं। हम आपके थ्रू जो दान मिलता है उसको अगेन भगवान की सेवा में ही संलग्न करते हैं। आप ही के सामने स्क्रीन पर देखिए हमने ये पोस्टर शेयर किया है। 25 मार्च को गौर पूर्णिमा है और गौर पूर्णिमा की सेवा के लिए आप प्लीज हमें अधिक से अधिक अपना आर्थिक सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपके दिए हुए सपोर्ट से हम ऐसे ही लाइव सेशंस को और अरेंज करेंगे और अच्छी तरह से भगवान के इन नामों का प्रचार करेंगे, ताकि आप ही की तरह और 10,000 लोगों को हम बता सके कि गौरांग महाप्रभु कितने ज्यादा दयालु और कृपालु हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी के साइड से हरे कृष्ण टीवी को अच्छी मात्रा में भगवान के बर्थडे पर भगवान की सेवा के लिए डोनेशन की प्राप्ति होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राधिका जी। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? राजवीर सिंह चौहान, हरे कृष्ण माता जी, महामंत्र का जप मन ही मन में करना चाहिए या बोल कर करना चाहिए? यस, चैतन्य महाप्रभु ने इसकी संस्तुति की है कि हमें कैसे जप करना चाहिए। वास्तव में इस युग में संकीर्तन की प्रधानता है। आप कहीं पर भी शास्त्रों में पढ़ेंगे, कोई भी आप श्लोक पढ़ेंगे कि कलयुग में कौन सा साधन है, कलयुग में कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो वहां पर हरिनाम के साथ साथ एक शब्द अधिकतर स्थानों पर आपको मिलेगा जो होता है संकीर्तन। और संकीर्तन का मतलब होता है सम्यक रूप से कीर्तन, जब बहुत लोग मिलकर कीर्तन करते हैं उसे संकीर्तन कहते हैं। और कीर्तन का मतलब होता है बोलना, कुछ भी बोलना मतलब कीर्तन। जो हम मन मन में करते हैं वो है जप, वो भी ठीक है, पर हमें करना है कीर्तन। तो मतलब जब भी हम भगवान के नामों का जप करें, माला पर भी करें, कीर्तन करते हुए, मतलब ऐसा नहीं कह रहे हम मेलोडियस होना चाहिए कुछ गाते हुए, नहीं, सीधा सीधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना तेज कि हमें सुनाई दे, दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसे इतना बोलते हुए करना चाहिए। मन मन में कर तो सकते हैं, बट हम लोगों की एक मजबूरी है कि मन मन में हमसे होगा नहीं। आप कभी करके देखना, एक माला बोलना नहीं और मन मन में महामंत्र चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब माला पूरी हो गई, क्योंकि मन तो निकल गया था वर्ल्ड टूर पर। जब अंत का मन का आपको वो रुकने लगेगा ना सुमेरु के बाद, तब आपको लगेगा कि माला अच्छा पूरी हो गई है, अब खत्म हो गई है। तो मन मन में कर तो सकते हैं, बट हम लोगों का मन नहीं लगेगा, तो हमें अपनी जीभ और कान को लगाना है। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, हमें श्रवण और कीर्तन से अपने भक्ति को सिंचन करना है, तभी ये लता बढ़ेगी। तो श्रवण कीर्तन कैसे होगा? जब हम बोलेंगे और उसी नामों को हम सुनेंगे। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु भी जब लीलाएं कर रहे थे तो कुछ लोग बोलते थे कि ये क्या विधि निकाली है इन्होंने, इतनी जोर जोर से बोलकर ये विष्णु को उनकी नींद से उठा देंगे, जो विष्णु सो रहे हैं कारण समुद्र में उनको भी ये लोग उठा देंगे, कहां से आ गए हैं। पर नहीं, कलयुग में जब भी बात की गई है कृष्ण के संकीर्तन से ही, कृष्ण नाम के संकीर्तन से ही हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए बोल कर कर। थैंक यू सो मच माता जी। राजवीर जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप माता जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। प्लीज आप बोल बोल कर भगवान के नामों का जप कीजिए, और यदि आपको कोई रोके टोके तो माता जी की इस बात को वापस याद कीजिए कि उस टाइम पर भी भगवान को स्वयं लोगों ने बोला था कि क्या इतनी जोर से चैंटिंग करते हो। आप हिम्मत मत हारिए, अच्छी तरह चैंटिंग कीजिए, इतनी जोर की भी मत कीजिए, लेकिन ऐसे कीजिए कि आपके कानों में भगवान का नाम पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रियंका परचा, कल चैतन्य महाप्रभु जी का उपवास कब छोड़ना है माता जी?
ओके, पूरा दिन एकादशी का भोजन ही करना चाहिए, शाम को 6 बजे तक बिना कुछ खाए पिए व्रत करना चाहिए जब तक भगवान का अवतार नहीं हो जाता, और उसके बाद एकादशी प्रसाद लेना चाहिए। और इसके आगे अगर आपका शरीर आपको लगता है कि अलाउ नहीं करता है, कभी कभार कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हम भी ऐसा बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, इसलिए हम साथ साथ प्रैक्टिकल भी बोलना चाहेंगे, क्योंकि एकादशी व्रत भी भक्त लोग करते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर सकते, आप 6 बजे तक उपवास कीजिए, मतलब पूरा दिन आप एकादशी प्रसाद खाइए, 6 बजे तक बिना खाए मत रहिए, आप पूरा दिन सुबह से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, बिना कुछ खाए पिए शाम के 6 बजे तक नहीं रहा जा सकता, तो आप पूरा दिन एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते। बाकी ये 6 बजे तक वैसा भोजन की कुछ नहीं खाना, बाकी पूरा टाइम एकादशी खाना है, फिर अगले दिन आप जब सुबह उठेंगे तब आप कुछ अन्न ग्रहण कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रियंका जी। उम्मीद करती हूँ कि आप माता जी के उत्तर से संतुष्ट हैं और अपने ध्यान से सुना है। थैंक यू सो मच। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? कान्हा की काजल, हरे कृष्णा राधे राधे माता जी, क्या आपने कभी छोटे से लड्डू गोपाल जी की सेवा की है? अगर हाँ तो आप क्या करती थी? ओके, तो अक्सर घरों में ऐसा देखा जाता है कि सबसे पहले लड्डू गोपाल जी आते हैं और उसके बाद फिर लोग धीरे धीरे सेवा करते हैं, या फिर पहले से लड्डू गोपाल जी होते हैं घरों में, लाइक इस्कॉन में नहीं आए थे तब भी पहले से होते हैं। तो हम लोगों के पास एक छोटे लड्डू गोपाल जी थे, जैसे जो पोर्सलिन के होते हैं, तो उनकी कुछ विशेष सेवा नहीं होती, पर वो ही थे हमारे घर में और उन्हीं की बस पूजा होती थी। हमें राधा कृष्ण से लगाव था, तो छोटे छोटे हम लोग राधा कृष्ण लाए थे, तो उनकी सेवा की थी। आपने जैसे लड्डू गोपाल जी की बात की है, तो अभी हमारे पास बहुत बड़े बड़े डीटीज हैं, राधा गोविंद जी बड़े बड़े डीटीज हैं राधा कृष्ण के, और छोटे डीटीज हैं गौर निताई के, और लड्डू गोपाल जी हमारे पास आए पर सबसे अंत में आए, तो अब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं। उनका नाम निकुंज बिहारी जी है, बड़े सुंदर है, कहीं भी जाते हैं सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो जैसा आपने कहा क्या करती थी, तो जैसे जो ठाकुर जी की सेवा है पूरे विधि विधानों से, वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, और उनके साथ ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी कभी भी अकेले नहीं होने चाहिए, जैसा कि प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कृष्णा कभी अकेले नहीं होने चाहिए, या बलराम जी होंगे या राधा रानी होंगी या ग्वाल बाल होंगे, तो उनके आसपास कुछ गैया कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, अकेले नहीं रहने चाहिए लड्डू गोपाल जी। और षोडशोपचार से जैसे प्रत्येक दिन उनको स्नान कराना इत्यादि, पाद्य अर्घ्य, बहुत सारी सेवाएं हैं जितना आप कर सकते हैं। तो घर के डीटीज के अनुसार अभी जैसे सब लोग पूरा पूरा समय डिवोट नहीं कर पाते भक्ति को, अभी हम तो वेले हैं, हमारे पास और कुछ काम नहीं है तो लगे रहते हैं, पर सब लोग ऐसा नहीं होते, सब लोगों को बहुत अन्य अन्य भौतिकता के भी कार्य होते हैं, तो उसके अनुसार आप अपनी सेवाएं बांध लीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि उतना समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि षोडशोपचार विधि और फिर पूरा उतना समय से भोग लगाना उठाना सुलाना, तो जितना आप आराम से कर सकते हैं, बच्चे हैं लड्डू गोपाल जी, आप उन्हें बालक की तरह प्रेम कीजिए, गुरु महाराज अक्सर कहा करते हैं एकदम बालक की तरह लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, जैसे छोटा बच्चे का ध्यान रखा जाता है ऐसे उनका ध्यान रखिए, उन्हें सुलाइए, उन्हें उठाइए, उन्हें ठंडी लगती है तो ठंडी के कपड़े पहनाइए, गर्मी लगती है तो वैसे कपड़े पहनाइए, और उनको भोग लगाइए, खासकर लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री और दूध से बने हुए पदार्थ बहुत प्रिय हैं, तो उनका भोग लगाइए, और जो भी अपना एक पुस्तक भी है इस्कॉन से आप ले सकते हैं अर्चन पद्धति, तो उसमें पूरा अर्चन पद्धति बताई गई है, आप उसके अनुसार लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कान्हा की काजल जी। उम्मीद करती हूँ कि आप संतुष्ट हैं। मुझे याद है आपने पिछली बार कई सेशंस में ये सवाल पूछा था, ये प्रश्न पूछा था और आपको उत्तर दिया था, लेकिन मैं अपने पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज के उत्तर से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सस्मिता दास। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, घर पर निताई गौर की डीटीज रखनी चाहिए या नहीं? ठीक है, तो गौर निताई का डीटीज रखा जा सकता है, बल्कि राधा कृष्ण जो हम लोग बड़ी आसानी से ले आते हैं, तो
उनका डिटीज रखने में हमें पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा मुश्किल है, राधा कृष्ण की सेवा करना मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी कृपालु हैं, कुछ गलती भी होगी तो भी क्षमा कर देंगे। पर जब कहा जाता है एकदम पक्के हो जाएं भक्ति में, तब जाकर हमें राधा कृष्ण को अपने घर लाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि स्टार्टिंग में डीटी सेवा एक ऐसी ऐसा अंग है भक्ति का कि हम लोग बड़े लालायित रहते हैं शुरू शुरू में, पर जैसे जैसे करते रहते तो हम लोग शिथिल होते रहते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, राधा कृष्ण का डीटीज एकदम ले आएंगे और फिर लोग ऐसे देते रहते हैं कि अब आप रख लीजिए, अब हम लोग सेवा नहीं कर पाते, ये अच्छा नहीं है। तो इसीलिए पहले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी का डीटीज ले आना चाहिए। अगर आपके घर के पास में मंदिर है, जैसा कि प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर आपके घर के पास मंदिर है तो घर में डीटी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने घर में डीटीज ऐसे रखेंगे, सब अपनी अपनी सेवाएं करेंगे, तो फिर मंदिर के प्रोग्राम्स वो सब उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर जो मंदिर के डीटीज हैं वही हमारे डीटीज हैं, मंदिर के भगवान हम सबके भगवान हैं, वो हमारे भगवान हैं। जो आप अपने भगवान की सेवा करना चाहते हैं वो उनके लिए कीजिए, आप पोशाक बनाना चाहते हैं आप टेम्पल से कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे यहाँ तो प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा सिस्टम दिया है, ज्वेलरी बनाना चाहते हैं और पोशाक बनाना चाहते हैं, भोग बनाना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप नियम फॉलो करते हैं तो आपको कभी ये नहीं रोका जाएगा कि नहीं 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 आप नहीं जा सकते, नहीं, आप कुछ भी सेवा कर सकते हैं अगर आप नियम फॉलो कर। अगर आपके घर के पास मंदिर है, टेम्पल है, तो आवश्यकता नहीं है। घर के पास यदि टेम्पल नहीं है तो आप गौर नेताई जी के डीटीज अवश्य रख सकते हैं। और जैसा कि हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कहा था, पहले से ही अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए कि हम लोग इतना करेंगे, जितना आप निभा सकते हैं उतना ही नियम लीजिए। स्टार्टिंग में हम लोग 6-6 टाइम भोग लगा रहे हैं और फिर कभी 1-2 महीना बाद एक बार भी भोग लगाने में हम लोग सोच रहे हैं कि अरे अभी भोग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जितना हम निभा, अगर आप पूरे दिन में एक बार खिचड़ी भोग लगा सकते हैं तो बस यही लीजिए। ऐसे हम कई सारे भक्तों को जानते हैं, अकेले अकेले हॉस्टल या कहीं पर रह रहे हैं, एक टाइम हम खिचड़ी बनाते हैं और वो भोग लगाते हैं, ठीक है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। बट एक पहले से स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए, मैं केवल एकादशी को ही ड्रेसिंग करूंगा, मैं केवल एकादशी को ही स्नान करा सकता हूँ, मैं नहीं करा सकता रोज को, तो आप पहले से वो स्टैंडर्ड सेट कीजिए। तो अपने अनुसार एक नियम लीजिए, नियम बनाइए और फिर उसके अनुसार पूजा कीजिए। पर हाँ, हम फिर भी यही कहेंगे कि केवल हमारे कहने से नहीं, जो आपके शिक्षा गुरु हैं आप उनसे एक बार परामर्श लें, वो आपके निजी जीवन को देखकर आपके अनुसार आपको आपका उत्तर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता जी का ये प्रश्न था, उम्मीद करती हूँ आप संतुष्ट हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि यदि आपके घर पर विग्रह नहीं है तो जल्द से जल्द आ जाए और आप पूरे मन से उनकी अच्छी तरह से सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विकास साहू। हरे कृष्णा, गर्भावस्था में भक्ति कैसे करना है? ओके, अब हम कर तो नहीं सकते, जो लोग बाहर आ चुके हैं, जो लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि गर्भावस्था में भक्ति करनी चाहिए, अब उनका तो ये समझ आ चुका है। पर हाँ, वो किसी अन्य जीव को ऐसा अवसर जरूर प्रदान कर सकते हैं कि वो उसको गर्भावस्था में भक्ति करवा सकते हैं। अगर वो स्वयं पेरेंट्स बनने वाले हैं या कोई नोन में है तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, ऐसा अवसर, सुअवसर और सबसे अच्छा अवसर उन्हें आप प्रदान कर सकते हैं जिससे उनको इतना अच्छा अवसर मिलेगा। यस, तो भक्ति कैसे करवाना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा है जहां पर जीव रह रहा है उस स्थान को हमें भक्तिमय बनाना होगा, अर्थात माता को भक्ति करनी होगी, वो माता के माध्यम से भक्ति वहां तक जाएगी। जैसे हम चार्जिंग करते हैं ना किसी चीज को, तो बीच में अडाप्टर लगाना पड़ता है, उस अडाप्टर के माध्यम से वो बिजली वहां तक जाती है। तो ऐसे माता को भक्ति करनी होगी, माता के माध्यम से बालक में आएगी। तो भक्ति के साधन यथा जप करना, और सबसे अच्छा है कृष्ण कथा सुनना, जप करना उसे सुनना और कृष्ण कथा सुनना, गर्भावस्था के लिए ये सबसे 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 अच्छा है। आप वैसे भी कभी देखें, ये तो चलो खैर हम भक्ति की बातें कर रहे हैं, वैसे भी आप कभी देखें भारतीय समाज में जो बड़ी बूढ़ी माताएं होती थी वो हमेशा कहती थी, अब कोई लेडी यदि प्रेग्नेंट है तो आप रामायण पढ़ो, आप गीता पढ़ो, उन्हें ये सब पढ़ाती थी वो, रोज रोज पढ़ना है।
तो सबसे अच्छा है कि हम श्रवण करें, क्योंकि बालक की जो जो हमारी श्रवणेंद्रिय है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा जो हमारी एक्टिव सेंस है वो है कान। तो बच्चा सुन रहा है, वो श्रवण कर रहा है, आप उसे सुनाइए। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज का उदाहरण, उन्होंने गर्भ में सुना। अभिमन्यु का उदाहरण, उन्होंने अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में सुना। तो इन सबसे पता चलता है कि बालक सुनता है, तो बालक अवश्य अवश्य सुनते हैं। और ये तो हमारा निजी अनुभव भी है, हमारा खुद का अनुभव। मेरी माँ मुझे बताया करती हैं कि गर्भावस्था के समय में वो गीता पाठ करती थी, और जब हॉस्पिटल भी गई वो, तो उससे पहले भी पूरा गीता पढ़कर गई। और शायद उसी का नतीजा है कि मुझे 8-9 साल की उम्र में पूरी गीता याद हो गई। तो ये बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है कि गर्भावस्था में बच्चा सुनता है, बालक सुनता है, तो उसे सुनाइए। गलत चीज नहीं सुनाना है, कृष्ण कथा। तो गर्भावस्था में कैसे भक्ति करनी है, माँ सभी नियमों का पालन करे जितने भी भक्ति किया, और उसमें से जप करना और साथ साथ श्रवण करना। और ये ऐसे साधन है जिनमें कोई थकान नहीं होने वाली है, जिनके लिए माँ को कोई शारीरिक श्रम नहीं करना है, प्रैक्टिकल भी है। और आजकल तो हमारे पास ये स्मार्टफोन्स हैं, हरे कृष्णा टीवी लगाइए और कितने सब आपके पास लेक्चर्स हैं सुनने को, उन्हें सुनते रहिए। इससे माँ को भी लाभ होगा और साथ साथ बालक को भी। आपका माइक म्यूट है, सॉरी। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने जीवन की जिस भी गर्भावस्था महिला के लिए ये प्रश्न पूछा है, उसका जीवन और आने वाले 9 महीने एकदम कृष्णमय हो जाए। थैंक यू सो मच। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? पुष्पा देवी, हरे कृष्ण माता जी, हम नॉन डिवोटी फैमिली को डिवोटी कैसे बनाए? और रोता हुआ एमोजी। परेशान है नॉन डिवोटी फैमिली, ऐसा लग रहा है क्या अपनी फैमिली के लिए पूछ रहे हैं? नॉन डिवोटी फैमिली को डिवोटी कैसे बना, हो सकता है ऐसा चाहे किसी, हाँ ऐसा, क्योंकि वो रोता हुआ वो बता रहा है शायद तो अगर कुछ भी है, किसी को भी डिवोटी बनाना है तो प्रभुपाद जी ने कहा है, सीधा सा फॉर्मूला दिया है, आचार ही प्रचार है। अपना आचरण सबसे बड़ा प्रचार है, क्योंकि आप कभी भी देखना, हम किसी को सुनते कम हैं, देखते ज्यादा है। आप कभी ऐसा नोटिस करना, मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई कथा या प्रवचन करने के लिए आए हैं, कोई भी आए हैं, और उन्होंने आपको लेक्चर में बताया प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय नहीं पीना, ये तमोगुणी चीजें हैं। आपको उनकी कथा बहुत अच्छी लगी, आपने आगे पीछे का सब सुना, आपने सोचा चलो एक बार महाराज जी से या जो भी आए हैं उनसे एक बार भेंट कर लेते हैं। तो आप पीछे जब उनसे मिलने के लिए गए तो आप देखते हैं कि वो चाय पी रहे हैं और प्याज लहसुन खा रहे हैं। उनकी बात कितनी भी आपको दिल को लगी, उनकी कथा आपको कितनी भी अच्छी क्यों ना लगी, पर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने उन्हें देखा कि वो वैसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? उनकी बात तो बहुत अच्छी थी ना, मान लेते नहीं, क्योंकि हम सुनते कम हैं और देखते ज्यादा है। बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, देखते ज्यादा है और सुनते कम है, इसीलिए पकड़ लेते हैं आपने वैसा किया था, आपने वैसा किया था। तो इसीलिए अगर हम किसी को डिवोटी बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले हम खुद डिवोटी बने। हम खुद स्वयं अगर पक्के से डिवोटी बनेंगे तो फिर हो जाएगा, तो फिर दूसरे लोग भी बन जाएंगे। हम जाने अनजाने इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा आचरण गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए जिसे हम डिवोटी बनाना चाहते हैं वो लोग डिवोटी नहीं बन पाते हैं। तो जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए स्वयं का आचरण अच्छा करना होगा। प्रभुपाद जी अपने आचरण पे इतना अच्छा रहे तो आज ये परिणाम है कि पूरा विश्व बदल गया। अगर प्रभुपाद जी भी जाते और दूसरे किन्हीं गुरुओं की तरह वो वही की भौतिकता में लिप्त हो जाते तो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं चाहे कितनी प्रामाणिक थी, चाहे कितनी अच्छी थी, कोई नहीं बदलता। पर आज सारे बदले हैं केवल इसलिए प्रभुपाद जी ने अपना धोती कुर्ता वैष्णव तिलक कंठी माला जब अपने सिद्धांत एक भी चीज से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि अच्छा ठीक है यहाँ पर मुझे पैंट पहनना होगा तो मैं पहन लेता हूँ, हाँ मुझे अलग लग रहा है, तिलक उतारना होगा उतार देता हूँ, बाल बड़े कर लेता हूँ, शिखा की क्या आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने कभी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
और वही जो हिप्पी लोग पड़े रहते थे नशे में धुत, वो प्रभुपाद जी को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन लोगों को भी नहीं पता था वो कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनका जीवन, जिनका हम कभी मतलब कहते हैं ना सात जन्म भी नहीं सोच सकते, उनका जीवन प्रभुपाद जी ने इसी जन्म में बदल कर दिखा दिया। इसी का परिणाम है कि प्रभुपाद जी का आचरण एकदम प्योर था। तो इसीलिए हम किसी को यदि डिवोटी बनाना चाहते हैं, उसको सचमुच कन्विंस करना चाहते हैं, अपना आचरण इतना अच्छा बनाए कि वो व्यक्ति देखकर भी शौक रह जाए कि जो भक्त होता है वो ऐसा होता है, वो इतना अच्छा होता है, मुझे भी भक्त बनना है। जैसे हम देखते हैं ना जिसके पास पैसा होता है वो इतना आनंद भोगता है, वो इतना ऐश्वर्य भोगता है, मुझे भी पैसा कमाना है। ऐसे ही प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भक्त का आचरण ऐसा होना चाहिए कि दूसरों के मन में देखकर लोभ हो जाए, मुझे ऐसा बनना है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। तो हमें अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए। और यस, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है भक्त होना, क्योंकि हम भक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। इसीलिए हम यही कहेंगे, अपने आचरण को हमें अच्छा करना होगा और साथ साथ कृष्ण से प्रार्थना करनी होगी, उन्हें कृष्ण प्रसाद खिलाइए, साधु संग कराइए, कभी कभी मंदिर ले जाइए, ये सब चीजें एक साथ मिलकर प्रभावित करेंगे। धन्यवाद माता जी। नॉन डिवोटीज को डिवोटीज कैसे बनाना है, इस पर चाहे हम जिस भी व्यक्ति से बात कर ले, वो हमें ये एकमात्र सोल्यूशन देते हैं कि आप अपने आचार अपने आचरण को सुधारिए। थैंक यू सो मच। विनम, हरे कृष्ण माता जी, कल निर्जला उपवास रखना है क्या, अगर पूरे दिन रख सकते हैं तो? ओके, तो भगवान का अवतार 6 बजे हो जाता है, तो आप 6 बजे तक निर्जला रखिए, शाम के 6 बजे, सुबह के नहीं है, शाम के 6 बजे तक आप निर्जला रखिए। और उसके बाद चूंकि हमें चरणामृत मिलता है जिससे भगवान का अभिषेक हुआ है, तो आप वो चरणामृत ग्रहण कीजिए। यदि उसके बाद आपकी इच्छा नहीं है कुछ खाने की तो मत खाइए। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आप नहीं, और वो चरणामृत का प्रसाद अवश्य ले लीजिए 6 बजे जब अभिषेक हो गया है, और आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं उसके बाद। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और ये उपवास वास्तव में इसीलिए है कि जब भगवान का अवतार होता है तो सभी भक्त इतने प्रसन्न होते हैं कि खाना पीना भूल जाते हैं, तो हम लोगों को तो जबरदस्ती भूलना पड़ता है। और कितने लोग तो आकर शिकायत भी करते हैं कि भगवान का बर्थडे है और फीस्ट होना चाहिए और हम लोग तो एकादशी पालन कर रहे हैं। तो वास्तव में व्रत इसीलिए है, जब कृष्ण का जन्म हुआ, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, तो सभी आसपास के पार्षदों को इतना आनंद था कि वो खाना पीना तो बिल्कुल ही भूल गए। बाकी जो फीस्ट है वो अगले दिन जगन्नाथ मिश्र जी करेंगे, अगले दिन नंद बाबा करते हैं, तो वो फीस्टिंग डे होता है, पर जब अपीयरेंस है तो वो फास्टिंग डे है, और उससे हमें भगवान की कृपा भी मिलती है। आप चाहें तो पूरा दिन कर सकते हैं चरणामृत लेकर, इच्छा होना खाएं, पर ध्यान रखिए शरीर का भी ध्यान रखना है, कलयुग में है तो इतना ध्यान रखना है कि आगे एकादशी इत्यादि भी करना है, अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, अगर आप फिट है। यू कैन, थैंक यू सो मच माता जी। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? संदीप, हरे कृष्ण माता जी, ऐसे कोई एग्जाम्पल है जिसने हरे कृष्ण हरे राम नाम लेकर भगवत धाम चल गया होगा? ओके, वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसे चैंटिंग करके भगवत धाम की प्राप्ति हो गई हो? बहुत सारे हैं, आप कौन सा सुनना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में जिससे भगवान का नाम लेकर जीव भगवत धाम को चला गया। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण अजामिल का है श्रीमद् भागवतम से, उन्होंने कितना कितना पाप किया पर अंत में नारायण, वो भी कृष्ण का नहीं बल्कि अपने बेटे का नाम बोला। ये एकदम भगवान के नाम की महिमा को स्थापित करने के लिए ही यह उदाहरण है। बेटे को बुलाया, कृष्ण को भी नहीं बुलाया, तो भी विष्णु दूत आ गए कि यह बेटे से पहले तो हमारे स्वामी का नाम है, इसके बेटे का नाम बाद में है, पहले हमारे स्वामी का है। और वहां पर कहा गया, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोहम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदु। भगवान का नाम चाहे हंसी में लिया जाए, परिहास में लिया जाए, किसी का मजाक उड़ाते हुए लिया जाए, फिसलते हुए लिया जाए, गिरते हुए लिया जाए, कैसे भी लिया जाए, भगवान का नाम हमेशा हमारा मंगल करने वाला है।
और जो हम ये सोच रहे हैं ना, केवल हरे कृष्णा हरे रामा करने से कोई भगवान के धाम चला गया, तो हमें ये जानना चाहिए ये महामंत्र का, जब ये केवल नहीं है कि केवल ये करने से, बस ये करने से हो जाएगा। एक्चुअली हम लोगों का ना, सब लोगों को देखकर ना माइंड सेट हो गया है कि जब तक वो घड़े में पीली दाल लाल दाल पीछे मुड़कर नहीं देखना, रात में ऐसा करना टाइप, जब तक कुछ नहीं बताया जाता हमें लगता ही नहीं है कि कुछ बड़ा हो रहा है। ऐसा जब कुछ बताया जाता है, काला धागा बांध लो, ये वाली अंगूठी पहन लो, तब हमें लगता है हाँ अब कुछ हो रही, अब कुछ होने वाला है। और अगर घर पर बैठकर बिना किसी नियम के चलते फिरते कैसे भी हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे, तो इससे तो क्या होगा। तो हम लोगों का ये दिमाग बन चुका है, पर हमें शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है जप तप नियम, ये जो सारे साधन हैं, इनको करने का फल है कि जीव भगवान का नाम ले पाता है। इन सबको हमने कर लिया है, उसका ये फल है कि आज हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये केवल हरि नाम का जप नहीं है, हरि नाम का जप सब कुछ है। यहाँ तक कि गोपियां भगवान का नाम लेती हैं, जो साक्षात भगवान के साथ हैं, भगवान से आदान प्रदान कर रही हैं, वो गोपियां भगवान का नाम लेती हैं। चैतन्य महाप्रभु इसी हरि नाम के रस को चखने के लिए भगवान से भक्त के रूप में आए, गोलोक को छोड़कर धरती पर आए इसी हरि नाम के स्वाद को चखने के लिए। तो ये केवल भगवान का नाम नहीं है, इसमें भगवान ने अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं, और इसको जप करने से जीव भगवान के धाम में निश्चित रूप से जाता है। हमें भगवान का धाम तक पहुंचाने के लिए भगवान का एक ही नाम बहुत है, इतना सब नहीं, गोलोक वृंदावन तक जाने के लिए एक ही नाम बहुत है, बस वो हमें उस नाम तक पहुंचना है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, यह गोलोक का प्रेम धन है, यह इस संसार का तो है ही नहीं। जैसे कुछ हम चीजें कहते हैं ना, ये तो अमेरिका की है, ये तो यूएस की है, ये इंडिया में मिलती ही नहीं है, ऐसे ये हरि नाम ये धरती पर नहीं बनता है, ये गोलोकेर प्रेम धन, यह गोलोक का प्रेम धन है। तो इसीलिए हमें भगवान के नामों का जप पूर्ण श्रद्धा से करना है, और निश्चित 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 सारे शास्त्र जैसे शेर उद्घोषणा करता है, बहुत जोर से बघारता है, ऐसे ही सारे शास्त्र बहुत जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, केवल भगवान का नाम पर्याप्त है भगवान के धाम तक जाने। थैंक यू सो मच माता जी। संदीप जी, माता जी ने बिल्कुल अपने उत्तर के शुरुआत में कहा था कि एक नहीं ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, और हमारे शोज पर भी आए दिन भक्त आकर चाहे टॉपिक कोई भी हो, कहीं ना कहीं बीच में वो इसका मेंशन जरूर दे देते हैं कि कैसे भगवान का नाम का जप ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, और वो इतना महान क्यों है, इसके वजह से हमें एक दो लीलाएं भी सुना देते हैं। संदीप जी, उम्मीद करती हूँ आप माता जी के इस उत्तर से संतुष्ट हैं। प्लीज आप अपना थोड़ा होमवर्क कीजिए, और यूट्यूब पर हरे कृष्णा टीवी इटसेल्फ हैज सो मेनी वीडियोस शोइंग के भगवान के नाम को लेकर आखिर कितने लोग भगवत धाम गए हैं। थैंक यू सो मच। विद दिस माता जी, हम इस सेशन का आखिरी प्रश्न लेंगे। कैन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन? राजेश बिष्ट, राधे राधे माता जी, मैं राधा रानी को अपना इष्ट मानता हूँ और मैं राधा नाम का जप करता हूँ, अगर मैं हरि नाम का जप नहीं करता हूं, क्या मुझे पाप तो नहीं लगेगा? ओके, तो आपको पहले ये देखना है कि आप पाप से बचने के लिए कर रहे हैं या फिर भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जैसे आपने कहा पाप तो नहीं लगेगा, तो आपके प्रश्न में ऐसा झलक रहा है कि शायद आप पाप के डर से ये राधा रानी का नाम जप कर रहे हैं। इट्स ओके, बट ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, इसमें जो हरे है वो हरा अर्थात राधा रानी का ही नाम है, तो हम लोग डायरेक्ट राधा राधा नहीं बोलते हैं, वो इसीलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जैसा कि हम देखते हैं श्रील शुकदेव गोस्वामी जी ने भी भागवत में डायरेक्ट राधा नाम कहीं पर भी नहीं दिया है। उनकी तो खैर उच्च स्थिति थी, वो केवल एक बार बोलते और उनकी समाधि लग जाती, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलते हैं, जिसमें हरे रिप्रेजेंट्स राधा रानी, वो राधा रानी का ही नाम है हरे। तो अच्छा होगा कि आप राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें। ऐसा क्यों? क्योंकि राधा रानी को पसंद है। आप राधा रानी का नाम जप कर रहे हैं राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, तब पर राधा रानी तब प्रसन्न होंगी जब आप कृष्ण के साथ उनका नाम जप करेंगे। जब आप कृष्णा को प्रसन्न करेंगे तब राधा रानी प्रसन्न होंगी। तो
क्योंकि राधा रानी का भी यही उद्देश्य है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। अनया राधितोनूनम, जो राधा रानी है वो भगवान श्री कृष्ण की आराधिका, सबसे बड़ी आराधिका है, इसीलिए उनका नाम राधिका है, इसीलिए उनका नाम राधा रानी है। तो राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है, सबसे बड़ी भक्त है। तो भक्त का उद्देश्य होता है अपने स्वामी को प्रसन्न करना। तो राधा रानी अपनी हर क्रिया से, अपने हर कार्य से केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती हैं, प्रसन्न करना चाहती हैं। तो यदि आप भी राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र यही उपाय है कि आप राधा रानी के नाम के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप भी करना प्रारंभ कर दीजिए, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र, जो ये सम्मिलित दोनों का नाम एक साथ इसमें, हरे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ऐसे ये पूरा नाम है और इसी से वास्तव में राधा रानी प्रसन्न होंगी। और ऐसा आपको ना लगे कि ये इस्कॉन वाले हैं इसीलिए ये बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा करो। आप शास्त्रों में भी देख सकते हैं जहां तहां श्रीमती राधा रानी सभी सखियों को सेवा में लगाती हैं, कृष्ण की सेवा में। आप यदि उनकी व्रज लीलाओं को भी देखें, श्रीमती राधा रानी सवेरे से उठी हैं और सवेरे से उठकर वो यही सोच रही है मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, मैं यशोदा जी के पास जाऊंगी, मैं कुछ बनाऊंगी और वो कृष्ण खाएंगे, उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, मैं कुछ पकाऊंगी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, मैं वापस आऊंगी फिर से किसी निकुंज में जाऊंगी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, रात्रि में फिर कृष्ण, हर समय राधा रानी का केवल एक ही मकसद है कृष्ण को प्रसन्न करना। यदि आप भी राधा कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, और कृष्ण तब प्रसन्न होंगे जब राधा रानी प्रसन्न होंगे, कृष्ण तब जब राधा रानी, जब राधा रानी प्रसन्न तब होंगे जब कृष्ण। तो इसलिए दोनों का एक साथ नाम हमें जप करना है। यदि केवल एक को प्रसन्न करेंगे तो प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता चाहते हैं, प्रेम का यही लक्षण है, तत् सुखे सुखित्व, दूसरे के सुख में प्रसन्नता। तो कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, राधा रानी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं, और हमारा लक्ष्य है युगल की उपासना। हम उपासना करते हैं युगल की, हम दोनों को एक साथ पूजा करते हैं, राधा कृष्ण, केवल राधा रानी नहीं, केवल कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण। तो इसीलिए हमें अब राधा कृष्ण एक साथ कर रहे हैं और हम राधा राधा जप कर रहे हैं, कृष्ण नाराज हो जाएंगे ना, कैसा उनको उदासी हो जाएगी, तो ऐसा हमें नहीं, और राधा रानी को भी नहीं अच्छा लगेगा, ये शास्त्र की बात है। इसीलिए और सबसे बड़ी बात, चलिए अब ये भी कह ही देते हैं, आज जब गौर पूर्णिमा है, गौर पूर्णिमा, गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं, राधा भी हैं और कृष्ण भी हैं। तो राधा कृष्ण की सच्ची प्रसन्नता किसमें है ये चैतन्य महाप्रभु से अधिक और कोई नहीं जानता है, उन्हीं चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। इसीलिए हमें तो यही लगता है कि हम चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा अच्छा नहीं सोच सकते, जो उन्होंने हमें दिया है वो सबसे अच्छा दिया है, बेस्ट दिया है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि लगाए बिना, तर्क वितर्क, ये ऐसा वो ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों, बिना किसी तर्क वितर्क के जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा है वो हमें स्वीकार करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच राधिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गौर पूर्णिमा जैसे इतने अच्छे महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम में, इस विधि विधान में, इस सेलिब्रेशन में चार चांद लगा दिए हैं। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा आभारी मानती हूँ कि मुझे ये शो होस्ट करने का सुअवसर मिला, क्योंकि अगर इस शो को किसी और ने होस्ट किया होता और यदि मैं एज एन ऑडियंस देख रही होती तो शायद मैं इतनी अटेंटिवली नहीं सुन रही होती यहाँ, क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूँ और दर्शकों के बिहाव से मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। ये कहीं ना कहीं मुझ पर प्रेशर डालता है कि मैं गेस्ट की बोली हुई एक एक बात को ध्यान से सुनूं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है किन्हीं किन्हीं सेशंस में। और आज का सेशंस उन सेशंस में से एक है जहां मेरे कानों को एक बहुत ही अच्छी ट्रीट मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी, कैसे आपने गौर पूर्णिमा के अवसर पर हमारे दर्शकों को एक एक एस्पेक्ट पर एनलाइटन किया है, कैसे सेलिब्रेट करना है, क्यों सेलिब्रेट करना है और इसे सेलिब्रेट करने से क्या होगा, हम किस तरह से सेलिब्रेट करके गौरांग महाप्रभु को सबसे ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं, आखिर गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न करने की आवश्यकता ही क्या है। आपने इन सभी प्रश्नों को बड़ी अच्छी तरह से एड्रेस किया है राधिका जी। अगेन मैं सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
देना चाहती हूँ। मेरे प्रश्नों के साथ साथ आपने हमारे ऑडियंस के भी प्रश्नों का बड़ी डिटेल में बड़ी टाइम लेके उत्तर दिया है। थैंक यू सो मच राधिका जी। हम भी आपका और पूरी हरे कृष्णा टीवी की टीम का धन्यवाद करना चाहते हैं जो उन्होंने इतना अच्छा अवसर को और भी सुअवसर में बदल दिया सभी लोगों के लिए, जो घर बैठे आज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण कर पा रहे हैं, किसी कारणवश मंदिर नहीं भी जा पाते, नहीं भी सुन पाते, और आपने उन्हें इतना अच्छा अवसर दिया कि वो घर बैठे भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुन रहे हैं। तो पूरी हरे कृष्णा टीवी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जितने भी दर्शकगण हैं वो आपको और हमें सामने देख रहे हैं, पर इस शो के पीछे बहुत सारे भक्त हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और तब ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है जो आप सब देख रहे हैं। तो पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतने अच्छे से शो को होस्ट किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों ने इतने अच्छे से सुना, धन्यवाद। और ये वास्तव में हमारा सौभाग्य है कि जैसा हमने कहा, चैतन्य महाप्रभु छुपे हुए अवतार हैं, तो उनके बारे में कुछ बोल पाना वास्तव में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है जो हम बोल पाए, आपका धन्यवाद जो हमें सेवा का अवसर दिया। और इसी के साथ साथ हरे कृष्णा टीवी की पूरी टीम आपको और सभी दर्शकों को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से कृपा मांगते हैं कि यह गौर पूर्णिमा हम सभी के लिए बहुत मंगलमय हो, और खासकर कृष्ण प्रेम की थोड़ी सी बूंदे हमें भी प्राप्त हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की थोड़ी सी कृपा हम सब भी प्राप्त कर पाए। और आप सभी दर्शकों से भी हम अनुरोध करते हैं कि आप सब ऐसी कृपा हमारे लिए मांगना, और आप सब वैष्णव हैं इसलिए आप सभी हमें आशीर्वाद देना, इसी प्रकार से हम भक्ति के मार्ग में बने रहें और यथासंभव जो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है कि पृथ्वी ते आचयत नगर आदि काम सर्वत्र प्रचार हई वे मोर नाम, उसको यदि हम थोड़ा सा भी अपना सहयोग प्रदान कर सके तो आप सब ये आशीर्वाद हमें दीजिएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दर्शकों, मैं वापस आप सभी को याद दिला दूं कि आप हरे कृष्ण टीवी को प्लीज गौर पूर्णिमा के अवसर पर दान दीजिए। आपके दिए हुए दान का हम सदुपयोग भगवान की सेवा में ही करेंगे, तो आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए कल का दिन बहुत ही कृष्णमय प्रेम से भरा, उत्साह से भरा होगा, और आप सभी माता जी की बातों को सुनकर कल गौर पूर्णिमा को विधि विधान के साथ, भाव के साथ मनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली एंड अ वेरी हैप्पी गौर पूर्णिमा। प्लीज ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए, प्रश्न पूछते रहिए और भक्ति में आगे बढ़ते रहिए। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।